एवरी वन एंडक्ट यू वी वन टॉक अबाउट द करंट अफेयर सीरीज दट इज करंट अफेयर वीकली ओके सो बेसिकली आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जिसमें कि वी विल कवर द करंट अफेयर ऑफ आफ द इंटायर वीक जैसे हर वीक हमारा एक सेशन आएगा इस सेशन का एक कंपाइलेशन एक कैप्सूल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यही जो पी डी एफ होगा हमारा लाइक दिस पी डी एफ ओके इसमें वॉट वी हैव डन इज दैट वी वेव ट्राई टू इंटीग्रेट द बिलिम्स एंड द मीन्स बट दोनों को हमने क्या करा है सेग्रिकेट करा है बिकॉज दोनों एग्जाम अलग दोनों की डिमांड्स अलग अलग है सो वी के नॉट जस्ट टेक दम कि हाँ यार एक टॉपिक पढ़ लिया उसको प्री भी पढ़ लिया उसका मीनस भी पढ़ लिया वी हैव टू सेपरेट दिम दैट्स व पहले हमने प्री की न्यूज़ करी है प्री की न्यूज़ पहले करी है दी इज द प्री की न्यूज़ छोटे छोटे स्नाइपैट्स में एंड देन देर इज योर फिर टर्म्स इन न्यूज़ वाला हो जाएगा आपका एंड देन देर इज योर मीन्स का न्यूज़ मीन्स का न्यूज जो हमने करा है दैट वी अप डन इन दी एनाटिकल फॉर्मेट की कंटेक्स क्या है वट इट इज मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कराया हमने इसको वी ट्राई टू ठीक है सो दैट इज वॉट आई ट्राई टू डू की हमने इसको यू you नो know, उस तरीके से कराया कि वी कैन एनालाइज इट ठीक है एज पर द डिमांड ऑफ द मेन्स एग्जाम ओके सो बेसिकली ये हमारा रहेगा तो एक वीक के एंड पे जैसे संडे तक हुआ एक वीक मंडे को संडे नाइट या फिर मंडे मॉर्निंग तक यू विल गेट दिस वीडियो वीडियो आ जाएगी हमारे यूट्यूब पर जिसमें कि हमारा पूरे वीक का कंपाइलेशन होगा और यही इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा तो इससे होता क्या है ना कि देखो डेली करंट अफेयर्स से बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा छूट गया क्या हुआ नहीं हुआ मंथली वाला इतना बल्कि गया कवर नहीं हो पाया दैट्स वाई ये मिडिल वे है एंड दैट इज प्रॉब्ली द बेस्ट वे टू कवर करंट अफेयर्स वीकली वे में डेली एक बार गो थ्रू करो कोई दिक्कत नहीं है बट वीक में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दैट इज़ वट विल कवर हेयर और इससे ज़्यादा करना आपके लिए फीजिबल नहीं है सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा कर भी लोगे तो एग्जाम तक कैरी नहीं कर पाओगे बट ट्रस्ट मी जितना मैं कराऊंगा उतना मैं आपको याद करा दूंगा दिमाग में बस जाएगा फिट हो जाएगा एंड दैट यू विल बी एबल टू रिपीट दिस एग्जाम द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सीरीज इज दैट कि मैं वही पढ़ाऊंगा आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ पढ़ाऊंगा उसको आई एक्जैक्टली यू कि इसको कहाँ एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज कॉमन सेंस लगाओ यार कि क्यों तैयारी कर रहे हैं एग्जाम निकलने के लिए एग्जाम लिखने के लिए राइट सो आवर एंड गोल इज वॉट टू क्लेयर द एग्जाम राइट अब जो चीज़ पढ़ लें एग्जाम में लिख ही ना पाए तो क्या मतलब है सिर्फ पढ़ रहे हैं कोई यूटिलिटी नहीं है सो वी हैव टू वी वेरी वेरी लेजर फोकस फोकस ठीक है एकदम अपने को ना क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू एकदम पिन पॉइंट करके चलना होगा ठीक है वी हैव टू हिट द बर्ड्स आई राइड वेर ठीक है ये चीज़ हो गई तो बेसिकली ये स्टार्ट तो करेंगे बट उसके पहले दो मिनट आपसे बात करना चाहूंगा मैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज की प्रिलिम्स के बाद फॉर अबाउट फिफ्टीन डेज ऑफ समथिंग कोई ऐसी वीडियो नहीं आ पाई लेक्चर नहीं आ पाया यूट्यूब के ऊपर बिकॉज द रीजन वॉज कि वी वर वर्किंग ऑन द वेबसाइट अब एक वेबसाइट से वी आर मेकिंग अ प्लेटफॉर्म तो उसमें चीज़ें स्क्रैच से बनानी हमारी खुद की इनहाउस टीम हमने बनाई ठीक है मैंने इनहाउस टीम रखा है है हमारा खुद का है हमने किसी क्लास प्लस या किसी से आउटसोर्स नहीं करा इस चीज़ को ताकि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दिया सके बिकॉज मुझे सेटिसफेक्शन नहीं थी कि ऐसी वेबसाइट दी जाए जहाँ पे आपको घर जैसा फील हो स्मूथ फीलिंग आया आपको यू हैव वेरी कंफर्टिंग एक्सपीरियंस होता है वेबसाइट तो दैट कुड नॉट हैवन अगर हमने आउटसोर्स करा होता तो वी हैव बिल्ड दिस फ्रॉम दिस स्क्रैच सो दैर टेक्निकल चैलेंजेस उसमें आई वॉज रियली ऑक्युपाइड आई बिन पुलिंग नो फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन आवर्स अडे तो इतना आई एम आई कैन टेल यू की टाइम ही नहीं था यार कि मतलब आई को डू इट एवरी डे इज यू थिंग की आज बनाना है आज बना है और एक और चीज़ करंट अफेयर के लिए वॉज वेटिंग कि जुलाई से करेंगे क्योंकि जुलाई से पहले तो कर सकते नहीं थे ना क्योंकि पूरे वीक मंथ का कवर करना है अपने को दैट्स वाई अब जुलाई है जुलाई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर हमने स्टार्ट करा है इसके अलावा हमारे मेन्स का कॉन्टेंट भी आने लगेगा ठीक है हाई इस चीज़ों को ना एक जगह पे एक ऑर्डर uh, में मोशन ने उसको प्लेस करना था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दस डिस के करंट अफेयर के थ्रू हम लोग चीज़ों को फिर से रिस्टार्ट करेंगे सो इट वॉज नॉट अ स्टॉप राधा इट वॉज अ पॉज टू

डोंट वरी अबाउट करंट अफेयर्स की इतना ज्यादा हाइप है आपने एक अटैम देकर समझ लिया होगा नहीं भी दिया है कोई दिक्कत नहीं पच्चीस के लिए आप यहाँ पे रहो पूरे साल का करंट अफेयर कवर करेंगे हम लोग एंड यू विल नॉट जैसा मैंने आपको पी कवर कराया उस तरीके से पूरे साल का वीक वीक करके कवर हो जाएगा और मंथ के एंड पे आपको कैप्सूल मिल जाएगा ये वीकली कैप्सूल रिवाइज करते रहो मंथ के एंड में इसके बाद कंपेरिजन करके मैं दे दूंगा आपको आपका बर्डन ईज हो गया फिर साल के एंड पे आपको उतनी मार मारारी नहीं करनी पड़ेगी कि यार वी हैव टू स्टडी ये वो ठीक है कुछ नहीं करने की जरूरत है इतना कर लोगे इट्स मोर देन सफिशियंट ठीक है अब चलिए इकोनॉमी का आइटम है हमारा ये पहले प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं हम लोग ठीक है ओके प्लीज अंडरस्टैंड दिस अब इसमें पहले हम लोग इन्वायरमेंट समझ लेते हैं फिर इकोनॉमी में आएंगे पहला है फॉरेस्ट फायर से उत्तराखंड अब यार देखो उत्तराखंड में फॉरेस्ट कंटेस्ट है कि उसमें फॉरेस्ट फायर लगे उत्तराखंड में बस इतनी सी बात है इतना दिमाग में कंटेक्ट बस गया है ठीक है अब ध्यान क्या रखना है कि हमारे एग्जाम के लिए फॉरेस्ट फायर वट इज फॉरेस्ट फायर इन फॉरेस्ट फायर की यूटिलिटी क्या है ठीक है ये चीज़ हो गई अब समझो इस चीज़ को कि प्री में क्वेश्चन कैसे आएगा इससे देखिए आज यू की फॉरेस्ट फायर से मुझिए फॉरस्ट फायर फायर क्या है उत्तराखंड में लगा था ये सब नहीं पूछेगा वट दे विल आस्क्यूज प्रम्स इज दैट ये सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेसन कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे कि वट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन उसमें फॉरेस्ट फायर का क्या रोल है देखो तो बेसिकली क्या होता है कि एक हमारी प्राइमरी कम्युनिटी होती है एक प्राइमरी सक्सेशन होता है इसमें पहले से कोई कम्युनिटी रहती है मतलब फॉरेस्ट है यहाँ पे एक सक्सेशन हुआ हुआ है यहाँ पे एक इकोसिस्टम है जब ये जल गया जब इसे फायर लग गया तो ये कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई इको सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया अब इस इको सिस्टम को नए तरीके से सक्सीड करना पड़ेगा नाउ द इको सिस्टम विल री स्टार्ट अगेन एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ए इकोलॉजिकल सक्सेशन बट दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन हैपेंड ऑन अ लैंड विच हैड अ लाइफ फ्रॉम बिफोर पहले तो लाइफ था ना यहां पे इसलिए बोलेंगे कि सेकेंडरी हुआ क्यों क्योंकि ये प्राइमरी था आपका और दोबारा जो जलने के बाद अब हो रहा है तो ये सेकेंडरी है वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर मान लो कि एक डेल्टा बना है पानी रिवर ने पानी लाया और यहाँ डेल्टा बना दिया इस डेल्टा में अगर लाइफ क्या डेल्टा पहले बना हुआ था नहीं तो डेल्टा में डेल्टा इज फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इसके पहले कोई लाइफ फॉर्म थी ही नहीं यहाँ पे तो अब इस फॉर्म में जब जैसे ही यहाँ पे पौधे आएंगे पेड़ आएगा कुछ जानवर खाने आएंगे तो दैट इज़ वॉट विल गिव द यू दी प्राइमरी सक्सेशन क्योंकि इसके पहले कोई लाइफ फॉर्म थी नहीं एक और एग्जाम्पल ले लो मान लो ऑल्कैनिक इरप्शन हुआ इसके बाद कोई डेल्टा यहाँ पे बन गया सॉरी इसके बाद यहाँ पे कुछ भी ऑल्कैनिक आइलैंड बन गया ठीक है इसके ऊपर क्या कोई लाइफ फॉर्म था नहीं मैग्मा तो अभी भी बाहर आया यार क्या लैंडफॉर्म था कुछ नहीं था इसके ऊपर था अब इसके ऊपर अगर लाइफ फॉर्म आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है पहले मॉसेस आएंगे फिर ग्रासेस आएंगी ग्रासेस के बाद फिर क्या होगा फिर आपके प्लांट्स आएंगे फिर आपका ट्री होगा इस तरीके से फिर जानवर भी आएंगे यहाँ पे एक इको सिस्टम बना अब इको सिस्टम इज फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम राइट येस दैट इज वट विल कॉल्ड वेट द फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन बट फॉरेस्ट फायर क्या होगा इज योर सेकेंडरी सक्सेशन क्यों क्योंकि इसके पहले भी तो फॉरेस्ट था ना यार फॉरेस्ट में तो इको सिस्टम था तो या दैट्स सॉ इट इज़ दी टू डिग्री सेकंड लेवल ठीक है समझ गए इस बात को बस इतना समझना है आपने को और डिटेल पढ़ना चाहते हो इसके बारे में यू कैन गो टू द इको अगर पढ़ना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है अभी पढ़ने की बाद में तो कवर करेंगे ही हम लोग तो इकोलॉजी वाले में जाके अगर अगर क्यूरोसिटी है तो जाके वहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो ठीक है बट अभी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा करने का इतना कर लो रीजन इज दैट कि पहले समझो एक बात कोई करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका समझो यार कि आपको जो स्टेटिक में है सिर्फ यू हैव टू गो थ्रू दैट बट आप चीजों को बार बार नहीं पढ़ सकते बिकॉज यू हैव अ लिमिटेशन ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी ठीक है आपको प्री की चीजों को प्री के टाइम पढ़ना है जनवरी से स्टार्ट करेंगे प्री की प्रिपरेशन अभी सिर्फ गो थ्रू करें ताकि चीजें एकदम भूल ना जाए हम लोग ओके okay? एक सेकेंड ओके सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया का कोरल रीफ क्या हो रहा है इसमें न्यू मेजर्स अनाउंस टू प्रोटेक्ट द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम ब्लीचिंग इन्वायरमेंटल डैमेज अब तो क्या कह रहे थे दो चीज समझिए ब्लीचिंग क्या होता है एंड ग्रेट बैरियर रीफ क्या है तो कोरल रीफ जो अफ्रीका में ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया में आपके है जो कोरल रीफ है उसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ राइट इट इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ्स इन द वर्ल्ड ओके अब कोरल रीफ्स क्या होते हैं कोरल रीफ इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव एक्वेटिक इको इन द वर्ल्ड ठीक है ये कह सकते हैं हम दूसरी चीज कि एक्चुअली होता क्या है कि इसमें क्या होता है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है क्या होती है आपकी मैं समझाता हूँ आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ ठीक है एक सेकंड रुक जाओ ठीक है एक हम्म देखिए तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि यहाँ मान मालूम है कोरल को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो कोरल में देर इज देर आर टू ऑर्गेनिजम्स एक आपका है जूज ठीक है जूज क्या है इट्स इट्स एन एनिमल और एक और है आपकी एलगी सॉरी 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 उल्टा बोल दिया मैंने हाँ ऐसे लिखो कि कोरल हुआ ना आपका तो कोरल में बेसिकली यू हैव योर कोरल तो कोरल पॉलिप्स मतलब ये एनिमल है और एक आएगा आपका एक एक हो गया आपका ये क्या बोलते हैं uh, uh, क्या बोलते हैं यार उसको अरे यार ये आपका हो गया बेसिकली एल्गी यस दिस इज एल्गी ओके अब एल्गी में क्या है आपका एलगी इजूज आंथल ये एल्गी हो होगी अब एल्गी क्या है इज अ काइंड ऑफ प्लांट यस अब प्लांट का काम क्या होता है खाना बनाना यस सो दे विल मेक द फूड और दिस कोरल विल प्रोवाइड द होम ये लोग मिलके बोलते हैं कि हम लोग घर बनाते हैं एंड दे विल फॉर्म अ सिम्बेटिक रिलेशनशिप इन विच ये लोग मिलकर यह बनाएंगे कोरल रीफ्स कोरल रीफ बेसिकली इज अ हाउस अब ये कोरल रीफ जो होता है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है ये किसका किसके है कैल्शियम कार्बोन बना होता है अब वट विल हैपन कि मान लो मान लो कि ओशन में एसिड की अमाउंट बढ़ गई ओशन एसिडिफिकेशन हो गया ठीक है अब एसिड तो उसको डिजोल्व कर देगा दैट इज वादे सीओ सी थ्री डिजोल्व इसको बोलते हैं कि कोरल आपका कोरल डिस्ट्रॉय हो रहा है सेकंड थिंग व्हाट विल हैपन अब ये जैंथली होती है इट इज वेरी बेओफा टाइप्स ठीक है सो इट इज वेरी मतलब कि अगर इस पर स्ट्रेस आएगा ठीक है सो शी विल लीव तो होता क्या है कि जब मान लो कि ओशन की हीटिंग हो गई अब ग्लोबा वार्मिंग हो रहा है तो ओशन भी गर्म होगा ओशन की वार्मिंग हुई तो स्ट्रेस आया अब जू जान क्या करती है इसको लीव कर देती है कोरल को शी लेफ्ट वेन शी लेफ्ट वट हैपन इज दट की जीज जू जन थी घर को आता कौन है लड़की राइट द गर्ल इज पसिबल टू डेकोरेटिंग द हाउस एंड शी इज द होम मेकर राइट ओके शी शी मेक्स द होम बट शी वेन शी लेफ्ट सो कोरल के ऊपर जो दिखा हुआ कोरल में कलर्स होते हैं वैन शी लिव द कोरल विल लूज इट्स कलर क्योंकि कलर देने वाली है ही नहीं यहाँ पे सो दैट इज हाउ विल इट्स अ पेनफुल स्टोरी राइट सो यहाँ पे वट विल हैपन वट विल हैपन कि यहाँ पे कोरल विल लूज इट्स कलर एंड दिस फेनोमिना विल बी कॉल्ड एज द कोरल ब्लीचिंग इसको क्या बोलेंगे कोरल में ब्लीचिंग होगी समझ गए इस बात को चलो ये समझ लिया और समझो तो हमने देख लिया ये चीज़ फॉरेस्ट फायर क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया एंड देन देर इज योर इदर्स कोरल रीफ का देख लिया हमने ब्लीचिंग क्या देखा कि जब जो दिल्ली चली जाएगी बिकॉज ऑफ ओशन वार्मिंग तो कोरल में ब्लीचिंग आ जाएगी ये चीज़ हो गई चलो अब आते हैं आगे अब इसरो ने री लॉन्च व्हीकल को करा इसमें कुछ भी खास बात जानने की जरूरत नहीं दिमाग में कंटेक्स ध्यान रखो क्या री यूजेबल लॉन्च व्हीकल की एक बार लॉन्च कर दिया दोबारा भी इसको यूज़ कर दिया टेस्टिंग हुआ है इसका अभी ठीक है ओके ये हो गया इससे फायदा क्या है भाई ऑब्वियसली री करोगे तो उसकी इफिशेंसी बढ़ेगी कॉस्ट बढ़ेगा कोई रॉकेट साइंस में है नहीं हालांकि है रॉकेट बट रॉकेट साइंस में कुछ है नहीं सो so, इसको कुछ खास एग्जाम के लिए लूटिलिटी अभी तो नहीं है आगे डेवलप होगा मैं कवर करा दूंगा अब क्वान्टम कम्युनिक सेटेलाइट इसको समझाऊंगा मैं अच्छे से आपको समझाया हुआ मैंने लेकिन अभी हम लोग शुरू शुरू करेंगे डो वरी अबाउट ठीक है जो जापान का लोनार मिशन अब जापान ने स्लिम नाम का का लैंडर ठीक है लैंड करा है ठीक है तो ये चीज़ एक ध्यान रख लेंगे बस हम लोग की लैंडर का नाम क्या है स्लिम इतना कर लेंगे ध्यान में ठीक है अब ये क्या कर रहा है मून के सरफेस को एक्सप्लोर करेगा तो क्या ऐसे कोई फ्यूचर मिशन इंडिया के हैं तो इंडिया का मिशन जो है ल्यूपेक्स ठीक है ये जापान के साथ ही है आ, ठीक है तो ये चंद्रयान फोर है एंड ल्यूपेक्स विथ जाक्सा है ठीक है दीज आर टू मिशन और बाकी हमारा ये दूसरे कंट्रीज़ का है इसको याद रखो तो ठीक है ना रखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लिख दिया है मैंने बस बट इंडिया वाला ध्यान रखना है आपको ये वाला पर ठीक है ये चीज़ हो गई फिर अब बात करते हैं कैनेडा में आर्कटिक कैनेडाज़ आर्कटिक रिसर्च कनेडा है यहाँ पे ठीक है आर्कटिक यहां पे। अब आर्कटिक में रिसर्च स्टेशन है अब रिसर्च क्यों करना है आर्कटिक को बिकॉज पोलर एरिया है, राइट इट्स फ्रोजन फ्रोजन यू डोंट नो में क्या है परमाफ्रॉस्ट मीन परमाफ्रॉस्ट क्या मतलब होता है इसका इट मीन की परमानेंटली फ्रोजन ठीक है ऐसा कह सकते हो समझो कि परमानेंटली फ्रोजन परमानेंटली फ्रोजन समथिंग विच इज फ्रोजन फॉर लॉन्ग टाइम मे बी थाउजेंड ऑफ इन अब मान लो कुछ बहुत टाइम से फ्रोजन है क्या मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर मीथेन ट्रैप्ड होगा यस yes. क्या इसके अंदर में हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिक वायरस या कुछ भी ट्रैप हो सकते हैं इसके अंदर में क्या नहीं अंदर माइक्रोब ट्रैप हो सकते हैं यस ठीक है yes. इसके अंदर में जो वायरस मिलते हैं ना इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं जॉम्बी वायरस क्या बोलते हैं जॉम्बी एक सेकंड रुको अच्छे से सेकेंड रु इसको बोलते हैं हम जॉम्बी वायरस समझ गए इस बात को तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए घूमते फिरते जोम्बी वायरस क्या होता है मैं ऐड कर दूँ दूंगा यहाँ पे ओके आई जस्ट एड इट ओवर हियर इस वाले टर्मिनोलॉजी में एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ दैट इज योर जॉम्बी वायरस ठीक है एक सेकेंड रुक जाओ दैट इज योर बेसिकली जॉम्बी वायरस अब ये कौन सा वायरस है दिस काइंड वायरस ट्रैप न्यूज में तो नहीं है बट मैं जानना चाहिए क्योंकि ये आपको किसी स्टेटिक में कवर नहीं हो पाएगा इसी थ्रू इसी चीज़ों के थ्रू आप जानते हैं उन चीजों को देखो करंट में पढ़ने का तरीका क्या है ना ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ भी विद इट अगली बार से वीडियो छोटी हो जाएगी कि बता रहा हूँ मैं आपको विल टॉक अबाउट थिंग्स स्ट्रेटजी राइट तो जोमी वायरस देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि देर आर फ्यू थिंग जो कि हम स्टेटिक में पढ़ लेते थे फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीकर न्यूज़ में है तो हम स्पीकर को गो थ्रू करेंगे नोट्स में ऐड नहीं करेंगे क्यों क्योंकि स्टेटिक में तो लक्ष्मीकांध ऑलरेडी एडेड है तो चीज़ों को रिप्लीकेट नहीं करना है आपको लेकिन जॉम्बे वायरस क्या किसी स्टेटिक सोर्स में कवर्ड है नहीं तो हमको इसी थ्रू के थ्रू कवर करना पड़ेगा ठीक है तो बेसिकली क्या है बोल सकते हैं ना यहाँ पे ब्लैक से लिखता हूँ ताकि लोग प्रिंट कराना चाहें प्रिंट भी करा लें तो ये हो गया आपका बेसिकली कि परमानेंट परमा फ्रॉस्ट के अंदर परमा फ्रॉस्ट के इनसाइड ठीक है इसके इनसाइड जो वायरस मिलते हैं उसको क्या कहते हैं से लगा लोगे है ठीक है चलिए अब देखो कनाडा का आर्कटिक रिसर्च मजा दिया मैंने क्या है अब यहाँ पे एग्जाम में सवाल क्या बनता है दो सवाल बनता है अब जब आर्कटिक पढ़ा है तो क्या अंटार्कटिक क्या क्यूरोसिटी बननी चाहिए थी कि अंटार्कटिक के बारे में भी समझे हम दैट इज विल टॉक अबाउट कि अंटार्कटिक के रिसर्च से, से, सेंटर्स और आर्कटिक में इंडिया के क्या रिसर्च सेंटर्स हैं तो अगर वी टॉक अबाउट कि आर्कटिक रिसर्च में आर्कटिक में बहुत सारी कंट्री रिसर्च कर रही हैं तो क्या ये क्यूरोसिटी बननी चाहिए आपकी शूट नो कि इंडिया का क्या स्टेशन है पहली चीज तो आर्टिक में जो इंडिया का स्टेशन है यूपीएससी के ना कि क्वेश्चन ऑन दिस कि क्या नाम है उसका नेम उसका ही हिमाद्री क्लियर है इट्स नेम इज हिमाद्री अब एक और क्यूरोसिटी बनी चाहिए यार कि जब हमने वी टॉक अबाउट योर आर्कटिक तो क्या अंटार्क्टिक के बारे में जानना नहीं चाहिए अपने को क्यूरोसिटी बनती नहीं बनती तो आपने सही तरीके समझानी बननी चाहिए तो आर्टिक में अंटार्टिका में क्या है मैथ्री एंड भारती तो एग्जाम में आपको देखिए क्वेश्चन क्या कन्फ्यूज कर सकता है आपको तीनों दे देगा बोलेगा आर्टिका कौन है अटार्क्टिका कौन है मैथ द फॉलोइंग दे सकता है तो दिस इज वन ऑफ द थिंग ठीक है सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग तो मैथ्री एंड योर भारती इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ ताकि आपको सही रहे मैथ्री एंड भारती इज़ ऑफ अंटार्टिका एंड हिमाद्री इज बस इतना ध्यान रखना है बाकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है कि मैत्री और भारती अंटार्क्टिका का है एंड हिमाद्री हिमात्री का है समझ के इतने रट चुके हो ठीक है प्रश्न देख लिया अब क्वांटम कम्युनिकेशन सेटेलाइट समझाते मैं क्या होता है अब ठीक है देखो बेसिकली वट वी डू राइट नाउ इज द रेडियो कम्युनिकेशन ठीक है उसके बाद हम लोगों ने क्या चालू करा राइट नाउ वी डूइंग इंटरनेट कम्युनिकेशन हमारी जो कॉल आती है दैट इज ओवर द इंटरनेट एल ठीक है 4G के बाद से चीज़ें इंटरनेट के ऊपर जा रही हैं वोल्टी जो आप देखते हो वॉइस एंड ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ठीक है इवोल्यूशन थी वो बेसिकली हुआ क्या कि आपके इंटरनेट के ऊपर दे आर सेंडिंग यू वॉइस कॉल्स सो बेसिकली क्या हो रहा है कि पैकेट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है इंटरनेट के ऊपर तो जैसे कि इंटरनेट है ये इंटरनेट मान लो कि ये सेंडर है ये रिसीवर है तो यहाँ से कुछ पैकेट ऑफ डेटा के मैं जिन्होंने भेजा इस तरह से इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है पहले क्या होता था पहले रेडियो वेव्स के ऊपर होता था टावर लगाया हुआ है ना अब टावर के ऊपर रेडियो वेव्स के थ्रू यहाँ पर चीज़ें ट्रांसफर होती थी ठीक थी? है इस तरीके से हो रहा था बट एक और तरीका है तो अगर मैं बोलूँ कि अगर कम्युनिकेशन करना है तो आई हैव आई कैन आई से कि आई हैव आई कैन हैव थ्री थ्री टू फोर वेज अगर मुझे लेट से कि कम्युनिकेशन करना है लेट से मैं इसको एक नया लाइन बना के आपको समझाऊँ यहाँ पे मुझे मान लो कि लेट से आई वांट टू डू कम्युनिकेशन सेकंड जाओ मुझे क्या करना है ना मुझे कम्युनिकेशन करना है ठीक है अब कम्युनिकेशन करने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हो सकते हैं द फर्स्ट रास्ता आई कैन हैव इज़ द सिंपल द रेडियो वेव जो कि पुराना ट्रेडिशन हमारा चलता है कि टावर से भेजा है ना हमारा काम हो गया ठीक है तो अगर मान लो कि ये मेरा ट्रांसमिशन टावर है एंड ये ट्रांसमिशन टावर है इस तरीके से ठीक है और मान लो एक सेंडर यहाँ पर है एक रिसीवर यहाँ पर है इसने यहाँ पे भेजा इसने यहाँ पे भेजा यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होकर रिसीव हुआ इस कुछ इस तरह का फिनोमेना होता है बेसिकली रेडियो ट्रांसफर हो रहा है नाउ सेकंड चीज इज दी इज योर इंटरनेट कॉलिंग ठीक है इंटरनेट कॉलिंग की अब क्या कर रहे हो आप बेसिकली आप इंटरनेट के ऊपर कर रहे हो अब इंटरनेट अगर आपने सिम uh, कार्ड से लिया हो सकता है ये इंटरनेट मे बी यू है टेकन फ्रॉम द वाईफाई राइट वाईफाई कॉलिंग भी होता है सो दैट इज़ अ थिंग ठीक है वाईफाई भी अब यू कैन टेक ओवर द ऑप्टिकल फाइबर्स तो वो वाईफाई हो गया मतलब देर आर वेस एक और है सैटेलाइट कम्युनिकेशन अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एक नई चीज़ आपको न्यूज़ में आ रही है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एक चीज़ें आ रही है जिसको हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट जैसा कि स्टार्लिंग है आपका एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल इज योर स्टार्लिंग अब स्टार्लिंग में क्या होता है ये लोग अर्थ का जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट है ये अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली दे आर गिविंग यू यहाँ पे दे आर पुटिंग द सैटेलाइट ठीक है सैटेलाइट लगाते हैं यहाँ से एक एक मान लो कि सेंडर है ये मान लो कि यहाँ पर रिसीवर है ये इस तरीके से डेटा भेजता है यहाँ पे और इस तरीके से आगे इसको रिसीव हो जाता है सिंस ये ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है इसकी लो तो अर्थ ऑर्बिट में है इसीलिए कम्युनिकेशन इज़ फास्टर दैट्स और दिस इज वॉट इज योर लो अर्थ ऑर्बिट एग्जाम्पल इज स्टार लिंक क्लियर है ये कम्युनिकेशन देख लिया इसमें एक और तरह का कम्युनिकेशन जो अपन देख सकते हैं दैट इज़ योर इसको कहते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन ठीक है एक और स्पेशल कम्युनिकेशन का टाइप है दैट इज़ योर क्वांटम कम्युनिकेशन दिस इस फास्टेस्ट एंड द मोस्ट सिक्योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्वांटम कम्युनिकेशन ये क्या होता है भाई इसको समझो अब क्या है क्वांटम कम्युनिकेशन तो बेसिकली और क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में बात करें हम लोग लेट्स के हम लोग क्यूसी बोलते हैं इसको ठीक है ठीक है तो समझना है आपने को कि क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है राइट right. देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्यूसी क्वांटम कम्युनिकेशन तो अब ये हमारे मुद्दा डिस्कशन का क्वांटम कम्युनिकेशन क्या 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 है सिंपल भाषा में समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है क्यूब बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बट फिर भी हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि आगे एक बार पूछा है तो पूछ सकते हैं डिटेल में अब तो तीन चीजें इस साल के पीटी में भी था क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हम समझाया था मैंने फिर से समझो अभी क्या है क्वांटम कम्युनिकेशन क्या चल रहा है बेसिकली सब देख लिया हमने कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है रेडियो कम्युनिकेशन क्या है एंड लाभ लबला वे टॉक अबाउट क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है देखो इन जनरल हम लोग कम्युनिकेशन में यूज करते हैं ट्रांजिस्टर ठीक है अब ट्रांजिस्टर के पास दो रिस्पॉन्स ही होता है इसको दो ही चीज पता या तो जीरो देगा या वन देगा ये दो ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है देर इज ओनली टू स्टेट विच इज़ पॉसिबल फॉर द ट्रांजिस्टर दैट इज ये जीरो एंड वन बट हाउ एवर इन क्वांटम कम्युनिकेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है इसमें मल्टीपल स्टेट्स आर पॉसिबल इसी प्रिंसिपल को कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल द you know, नो द प्रॉपर्टी ऑफ अ फीचर टू एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट इज कॉल्ड एज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तो इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है ये उसकी मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है इस मल्टीपल स्टेट को ही हम कहते हैं क्या इस मल्टीपल स्टेट को ही हम कहते हैं प्यार से क्यूबिट और यही ऊपेसी का क्वेश्चन था कि क्यूबिट किससे कनेक्टेड है तो क्वांटम कंप्यूटर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था उसने दिस इज योर पी वाई क्यू बेसिकली क्यूबिट क्या है आपका दिस बिकम्स योर पी वाई क्यू एक सेकंड रुक जाओ ये क्या हो जाएगा आपका दिस इज योर पी वाई क्यू क्लियर है ओके तो ये क्यूबिट हो गया अब मेरे को इसको भेज के इसको डेटा भेजना है इसके बेसिस पे डेटा को ट्रांसफर करना है तो आई डू डोलेट से आई हैव अ सेंडर ये मेरे पास सेंडर है दिस इज माई रिसीवर ये क्या करना चाहता है? डेटा को रिसीव करना चाहता है अब वट विल ये इसको जब भेजेगा तो डेटा किस पर रखिए मान लो कि रेडियो कम्युनिकेशन में डेटा किसके ऊपर जा रहा है रेडियो के ऊपर जा रहा है राइट right. अगर मान लो फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन यूज कर रहा हूँ, तो डेटा विल गो इन द फाइबर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यह किस पर जाएगा दिस डेटा विल गो ऑन यू नो फोटॉन्स फोटोस पे ट्रेवल करेगा एंड फोटो ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट तो कुछ बातें यहां पर आप लिख के रखो एकदम पहली बार पहला पॉइंटर यहां पे लिखोगे आप एग्जाम के लिए प्री के लिए पहले क्यूबिट समझ चुके हो क्या है यस yes? ठीक है सेकंड थिंग इज योर मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्यूबिट यानी मल्टीपल स्टेट में पूछ सकता है ना क्यूबिट एग्जिस्ट मल्टीपल स्टेट यस एंड इसी प्रिंसिपल को तो कहते हैं इसी प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज योर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझ गए इस बात को देखो दो चार टॉपिक को ही डिटेल में पढ़ेंगे बाकी सब जो नहीं है मैं उसको एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो ऐसा करते क्या हम ना कि जिसको इंपॉर्टेंस नहीं जो देते नहीं है जिसको नहीं उसको पढ़ते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली होता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उसको हम पढ़ नहीं पाते रिवाइज नहीं कर पाते समझ नहीं पाते और बाकी चीज़ों को हम पढ़े जा रहे हैं ठीक है सुपर क्वेश्चन प्रिंपल हो गया हमारे पास अच्छा ठीक है सेकंड इज योर सेकंड क्या है सेकंड चीज ध्यान रखना कि इसमें किस क्या यूज होता है फोटोन एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड जो फोटोन होते हैं दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इतनी बात क्लियर है ठीक है चलो अब देखो हो फॉर्मुना क्या है कि देर इज़ अ थिंग विच इज़ कॉल्ड एज इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मतलब कि क्वांटम कीज क्वांटम कीज क्या है ये क्या करता है ना बताता हूँ क्या करता है ये ये एक कॉल लगाता है ठीक है ये कॉल लगा रहा है अब इस कॉल के थ्रू यहाँ पर भी कॉल पे ये दोनों कॉल पे आ गए लेट से फॉर एग्जाम्पल अब ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैंने तेरे को ना ये कोड लेट से कि मैंने कुछ इस तरीके से कुछ कोड भेजा ठीक है अब तू बता ये मेरी क्वांटम की हो गई ठीक है क्योंकि ये कोड क्या है ये क्यूबिट का कोड है ये क्यूबिट का कोड देख लिया पैटर्न देख लिया अब इसको पूछता है क्या तुमको भी सेम क्वांटम की रिसीव हुई है सेम पैटर्न रिसीव हुआ है तो ये बोलेगा कि हाँ अगर सेम पैटर्न इज रिसीव्ड सेम क्वांटम कीज आर रिसीव्ड देन वी कैन से द कम्युनिकेशन इज सिक्योर दिस कम्युनिकेशन विल बी सिक्योर ठीक है अगर सेम क्वांटम की रिसीव हुई हैं सेम क्वांटम कीज अगर रिसीव हुई हैं देन द कम्युनिकेशन कॉम इज सिक्योर ठीक है the com लेकिन अगर मान लो कि ये सेम रिसीव नहीं हुआ होता तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार मैंने तो भेजा था सेम गया नहीं इसका मतलब बीच में टेपरिंग हुई अब कॉमन सेंस लगाओ कि इसमें क्वांटम इंटेंगलमेंट का क्या यूज है व्हाट इज क्वांटम इंटैंगलमेंट वो समझो तो एक प्रिंसिपल तो मेरा सुपर पोशन प्रिंसिपल यूज हुआ इसका मतलब क्या था कि जो ये मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको जो सिर्फ क्यूबोर्ड बना लिया कोड बना लिया क्वांटम की बना लिया ठीक है तो इसको यूज तो इस तरीके से करा एक और प्रिंसिपल का यूज है इसमें दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटम इंटैगलमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज वॉट क्वांटम इंटैगलमेंट ठीक है अब ये क्या होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट ये कहता है कि दो पार्टिकल उनको चाहे आप कितना भी दूर रख दो दे विल बी इंटेंगल्ड एट द क्वांटम लेवल मतलब कि मान लो कि ये पार्टिकल लेट से ए है ये पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल नॉर्मल पार्टिकल नहीं है ये क्वांटम बहुत माइनर सा एटॉमिक पार्टिकल्स है पार्टिकल्स ही है ठीक है बी तो दे विल बी सब अटोमिक्स अटोमिक भी सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं ये लोग एटम से भी छोटे तो ये क्वांटम लेवल पे क्या होंगे इंटेंगल्ड होंगे कि ये जो प्रॉपर्टी शेयर करेगा मे बी ये लाइट इयर्स अवे हो लेकिन ये लोग क्या करें क्वांटम लेवल पे पर इंटेंगल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की थेरी तो इस प्रिंसिपल पे बेस करके ये लोग क्या कह रहे हैं बेसिकली ये लोग सो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं कि क्वांटम लेवल को यूज करके दे आर ट्राइंग टू डू अ कम्युनिकेशन राइट अब ये क्या बताओ मुझे कि इसको पता कैसे पड़ा कि जो इसने भेजा इसे सेम रिसीव हुआ है यार क्योंकि क्वांटम लेवल पे तो इंटेंगल्ड ही है अगर इसने भेजा इसे सेम रिसीव हुआ ये क्यों सेम रिसीव होना चाहिए क्योंकि क्वांटम लेवल पे पर इंटैगल डी है सेम प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए अगर सेम प्रॉपर्टी शो करेगा तो मतलब कि भैया मेरा कम्युनिकेशन सिक्योर है समझ गए इस तरह सेम प्रॉपर्टी शो करने के लिए क्वांटम इंटैगलमेंट बताता है और इसको मल्टीपल एक्ज स्टेट में एक्जिस्ट करा के जो क्वांटम की बनाते हैं वो सुपर पोजिशन को यूज करके बनाते हैं एंड दिस ऑल द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस वर्कस एंड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वे इज अ प्रोसेस इज अ मेथड टू डू द क्वांटम कम्युनिकेशन अब मेन फंडा क्या है क्वांटम कम्युनिकेशन का टू मेक द कम्युनिकेशन सिक्योर स्पीड नहीं है मेन फंडा इसका इसका मेन फंड स्पीड भी बहुत हाई होती है इसकी बट इसका जो मेन पर्पज है दैट इज योर टू मेक इट द मोस्ट सिक्योर मींस ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है तो इसका मेन पर्पज क्या है सिक्योरिटी मैं बोलूँ अगर कि इसकी मेन पर्पज मेन क्या है इसका मेन पर्पज इज योर सिक्योरिटी ठीक है मेन पर्पज इज योर सिक्योरिटी ठीक है चलिए यहां तक हो गया अब बात करते हैं हम लोग आगे तो हमारा ये प्री वाला मोटा मोटा न्यूज़ ओवर हो चुका है ठीक है इवायरमेंट देख लिया है ठीक है और देखो और हमने साइंस एंड टेक में इसरो वाला तो कुछ खास था नहीं इसमें क्वांटम वाला देख लिया ये सब आर्टिक अंटार्क्टिक देख लिया अब आर्ट एंड कल्चर में इंडिया इज अबाउट टू होस्ट देखो हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपको हर न्यूज़ को उतने डेप्थ में नहीं पढ़ना लेकिन किसी किसी न्यूज़ को आपको डेप्थ में पढ़ना है और खुद पढ़ने जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा दैट्स वाई एम हेयर ओके डो वरी अबाउट इट तो ये हो गया आपका यूनेस्को की हेरिटेज साइट इसमें आपको पढ़ना सीधे सिंपल सी बात है कि इंडिया अभी जो हर बार क्या होता है यूनेस्को की हेरिटेज कमेटी बनती है उसमें ट्वेंटी वन मेंबर होते हैं ठीक है इंडिया इस साल उस कमेटी का वन ऑफ द मेबर इज इंडिया इतना बस ध्यान रख लो बस आगे न्यूज डेवलप होगी मैं कवर कराऊंगा अभी इतना ध्यान रखना है ये सब मेंबर के नाम आपको रटने नहीं सिर्फ लिख दिया मैंने शो के लिए बट रटना नहीं है सिर्फ ध्यान रखो कि इंडिया मेंबर बनाए बस समझ गए ठीक है स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक्सचेंटल मार्च 2025 अब यहाँ दो चीज़ ध्यान रखना है जब मैं कवर आपको कंपाइलेशन होगा गवर्नमेंट स्कीम का तो बताऊंगा बट अभी ध्यान रख लो एक छोटी सी बात कि स्मार्ट सिटी मिशन की अगर आप बात करते हो ठीक है एक सेकेंड रुक जाओ चलो इसकी अगर आप बात करते हो तो एक बात ध्यान रखो कि स्मार्ट सिटी मिशन में आपके ये मार्च 2025 तक बढ़ गया एक पहला पॉइंट ध्यान रखना है एमसीक्यू के लिए और दूसरा कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम ही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब कि स्टेट और सेंटर दोनों में इसका फंड क्या होगा शेयर होगा तो एक पॉइंट ये आपका एमसीक्यू सी यहाँ से बन जाता है एक एम आपके यहाँ से बन जाता है ठीक है ये दो पॉइंट ध्यान रखेंगे बस हो गया अब देख लो यहाँ पे सेना सेनास्पेक्टेबिलिस्स क्या है सेना स्पेक्टेबिलिस्ट बेसिकली इज योर ये क्या है आपका दिस इज अ इन्वेजिव एलियन स्पीशी ये क्या होती है ये ऐसी स्पीशी होती है कि जैसे मान लो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में आती है और बाकी एरिया को कॉलनाइज कर लेती है एंड उसके रिसोर्सेज को खुद खाती मान लो रिसोर्स लिमिटेड है न्यूट्रन लिमिटेड है वाटर लिमिटेड है अब उस एरिया में आ गई और और वाटर कंज्यूम कर रही है तो बाकी के जो प्लांट्स हैं उसको तो वो फॉरेस्ट खराब खराब कर देगी दैट इज़ वाई इनका ये क्या होता है ना कि दे कंज्यूम मच एंड इनको इनको ना बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं एंड जब बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड होते हैं जल्दी कॉलोनाइज होते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो ज़्यादा लिमिट जमीन तो लिमिटेड है मेरे पास इतनी ज़मीन है मान लो इतना फॉरेस्ट का एरिया है इसमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रन भी लेट से कुछ एक्स लिमिटेड होगा अमाउंट ऑफ वाटर भी एक्स लिमिटेड होगा अब इसी को सारे को शेयर करना है अब सडनली ये वाले आते हैं ये कॉलोनाइजन चालू करते हैं होते तो क्या करते हैं इनका अमाउंट इतना बढ़ जाता है बहुत जल्दी फास्ट डुब्लिकेट होते हैं जैसे वीड्स होते हैं उस तरीके से तो ये लोग क्या करते हैं कि बाकी जो मेन प्लांट हैं मेन मेन ट्रीज हैं उनके रिसोर्स को खींच लेते हैं क्योंकि रिसोर्स है। तो दैट्स हाउ दे कॉलोनाइज एरिया एंड दैट्स हाउ दे डिस्ट्रॉय द इको सिस्टम अब ये कहां पर हुआ है ये नीलगिरी नीलगिरी एरिया नील है ना वेस्टर्न घाट में नीलगिरी वाले एरिया में इट इज सीन ठीक है इनवेजिव ये है क्या इट्स एन ऑर्नामेंटल प्लांट स्पेशली जो ऐसे ही अच्छा दी अच्छी दिखती है उसके लगाया गया था बट इट इज एक्टिंग इज एज एन हार्मफुल वे एज अ हार्मफुल वे और ये क्या गरी? यह कहिए इलावकोलाइज करिएट वॉर इट्स एन इन्वेजिव एलियन स्पीशी ठीक है species, अब रेडिएशन बायोडेमेट्री क्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि वट इज रेडिएशन बायडिसमेट्री इतना बस देख लो कि है क्या ये जैसे किसी को रेडिएशन पॉइजनिंग हो गई रेडिएशन क्या होता है मान लो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ठीक है अगर वो आपके बॉडी में चले गए तो उसके बाद आपकी बॉडी में रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग हो जाएगी तो कितने अमाउंट में गया कि आपको पॉइजनिंग हुई है या फिर आप सेफ लेवल पर हो तो उस अमाउंट को बायोडोजिमेट्री तो यू यू इन्वेस्टिगेट कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है आपके बॉडी में दैट इज इज बायो रेडिएशन बायो ठीक है ओके ए आई वॉशिंग क्या है ये अच्छा टर्म है इसको ध्यान रखना एग्जाम के लिए स्क्रीन वॉशिंग पूछा है तो ये भी पूछ सकते हैं ये आपका पी वाई क्यू है ठीक है क्या है आपका ए आई वॉशिंग मतलब कुछ कंपनीज को देखा होगा आपने कुछ एडटेक कंपनीज भी हैं जैसे कि वी आर यूजिंग ए आई बहुत ज़्यादा अब ए आई को दिखाते हैं कि हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू टू इन एवरी आस्पेक्ट ठीक है वी आर एयर ड्रिवन कंट्री सॉरी ए आर ड्रिवे कंपनी सो दैट इज हाउ यू आर ओवर इम्फेसाइजिंग कि यार मेरे पास ए ही है दैट्स वट टू मेक योर सेल्फ टू मेक योर सेल्फ लुक मोर एडवांस्ड देन दे आर ठीक है कैपिटलाइज ऑन ग्रोइंग इंटरेस्ट दैट्स मतलब बेसिकली की दिखाते हैं कि आई बहुत ज्यादा यूज तेज बनते हैं दिखा के तो दैट इज वाट इज ए आई वॉशिंग क्लियर है ये हो गया ये सब में देखा ये सब कितनी जल्दी कवर हुआ है बट हमने क्वांटम वाले को कितना टाइम में कवर करा क्योंकि दैट वॉज नीडेड क्योंकि वो और कहीं कवर कर ही नहीं पाओगे आप आप मेरे करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका समझो और अपने पढ़ने का तरीका भी उस चेंज करो कि हमें किसी भी टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि वो चीज़ कहीं और मिल नहीं सकती अब आप मैं आपको स्पीकर आ गया क्वेश्चन और मैं स्पीकर आपको बैठ के बहुत देर तक पढ़ा रहा हूँ तो क्या उसको कोई यूटिलिटी है क्योंकि ऐसे भी आप आपको स्टेटिंग में पढ़ना ही है नहीं पढ़ते हो तो आपकी बेवकूफी है राइट सो दैट इज वाई वी हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग जो कि कहीं और नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स दिस को कवर करने का तरीका ओनली करंट अफेयर ही है ठीक है तो इसके थ्रू इससे बाहर आपके क्वांटम कम्युनिकेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा इसको एक पेज इस पेज को आप कहीं ना कहीं एकदम अच्छे से रखना ठीक है क्वांटम कम्युनिकेशन वाला ठीक है चलो अब हम लोग इकोनॉमी में आ जाते हैं इकोनॉमी में क्या चल रहा है इकोनॉमी में बेसिकली देखो क्या हुआ है हर न्यूज़ का यूटिलिटी देखेंगे क्या है क्या हुआ कि इंडिया ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा ठीक है पहली चीज़ अब जब ये अग्रीमेंट साइन करा तो इसका क्या मतलब एग्जाम के लिए क्या क्या रिलेवेंट है भाई ठीक है ट्रेडग्रीमेंट साइन करा है इसको अगर आपके इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर कभी घूमते फिरते अगर मेन्स में क्वेश्चन आ गया इसकी यूटिलिटी बस इतनी सी है कि आपको अगर मेन्स में इस पर अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में क्वेश्चन आ गया तो यू विल जस्ट यूज एज अ पॉइंटर दिस कि हमने ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है इकोनॉमिक रिलेशन में आप एक कोट कर यू इकोनॉमिक रिलेशन में कोड कर सकते हो इसके अलावा इसका कोई यूटिलिटी नहीं है हमारे लिए ठीक है सिर्फ लिख दिया कि ताकि आपको पता होने चाहिए फिजिकल डिफिजिट अब बताओ क्या स्टेटिक में नहीं पढ़ते हो पढ़ते हो फिर भी अगर देख लो क्या होता है कि सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया उसकी कमाई से मतलब कि उसकी एक्सपेंडिचर एक्सीडेड द रिसड्स देन द सरकार विल बी रनिंग डेफिसिट एंड दैट देट डेफिटी कॉल एज द फिजिकल डेफिसिट ठीक है अब बताओ फिजिकल डेफिट ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए कम होना चाहिए क्योंकि ज्यादा फिजिकल डेफिसिट मतलब कि आप कहाँ से पैसा लोगे कमाया तो है नहीं तो उधार ही लोगे बोरो करोगे सो मोर फिजिकल डेफिसिट बिकम्स मोर बोरोइंग अब ज्यादा बो करोगे तो इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा तो पिछले साल का इंटरेस्ट अगले साल देना पड़ेगा तो अगले साल आपका और ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई एक्सपेंडिचर और बढ़ गया तो आपका जो जो आपका इंटरेस्ट है वो आपके एक्सपेंडिचर so तो हुआ? हुआ अब वट एक यू है छोटा सा होमवर्क है ज्यादा नहीं है कि अगर करना चाहो तो कर लो नहीं तो कोई बात नहीं मैं अगली क्लास में बता दूंगा आपको एनके सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन है यहाँ पे तीन चार कॉन्सेप्ट आता है हमारा एक होता है फिजिकल डेफिसिट एक होता है डेट टू जीडीपी रेशियो ठीक है ये तीन चार चीज़ें आती हैं आपकी ये सब कनेक्टेड है ये सब स्टेटिक में पढ़ते हैं हम लोग वैसे भी अगर आपको ज़्यादा क्यूरोसिटी अगर होती है तो मेरा बजट का लेक्चर है आप जाके देख सकते हो अगर नहीं आता है तो आता ही है सबको बेसिकली सब कुछ ठीक है क्योंकि अभी स्टेटिक कवर करना इज़ नॉट फिजिबल ठीक है बेसिक तो मैंने करा दिया राइट right? ओके okay. अब बात करो यहाँ पे ग्लोबल ऑयल प्राइस सर्च ठीक है क्या होता है अगर ग्लोबल ऑयल प्राइस का सर्च हुआ तो हमारे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो मुझे बताओ एक बात कि क्या हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा यू टेल मी इम्पोर्ट देने का जो बिल है कि मान लो कल को हमको एक हाइपोथेटिकली एक लाख रुपये में मैं देता था मान लो कि एक हज़ार रुपये लीटर है सौ रुपये लीटर है ठीक है और मुझे सौ सौ लीटर ही चाहिए तो कितना बनता है मेरा एक हज़ार दस हज़ार रुपये देने पड़ते हैं मुझे ठीक है अब मान लो कि एक सौ दस रुपये लीटर हो गया तो बढ़ गया ना प्राइस देने का तो मेरा जो इम्पोर्ट का जो बिल आएगा वो बढ़ गया तो इम्पोर्ट बिल बढ़ गया अब इम्पोर्ट बिल बढ़ने से हुआ क्या कि इसके इम्पोर्ट बिल बढ़ने से हुआ क्या वट हैपेंड कि क्या ना से कि मेरा फॉरेक्स का जो फॉरेक्स रिजर्व का डिप्लेशन होगा कैन आई से दिस बताओ येस और नो फॉरेक्स डिक्लाइन होगा बताओ राइट right रॉन्ग क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व सही तो पेमेंट करोगे वहीं से तो एक्सचेंज करोगे क्योंकि आपको पेमेंट डॉलर में करना है सो दैट इज ऑफ रिजर्व फॉरेक्स जो रिजर्व होगा वो कम होगा इसीलिए ये हमारा इंपैक्ट हमारे पास ये पड़ रहा है आप रिमाइंड लेट तो मी रिमाइंड यू कि 1991 में जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई उस टाइम हमारा गल्फ वॉर की वजह से ऑयल प्राइजेज बिकम वेरी हाई तो हमारा इम्पोर्ट बिल और ज़्यादा बढ़ गया जो फॉरेक्स बचा हुआ था वो भी डिप्लीट हो गया क्लियर ओके जी कलेक्शन रिकॉर्ड हुआ है ठीक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस दिमाग में रखो कि हुआ है इंपॉर्टेंट क्या है समझो कि रिफ्लेक्टिंग द रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी अब मुझे बताओ कि यह जीएसटी कलेक्शन अगर बढ़ा मतलब कह रहा है कि जीएसटी कलेक्शन हैज इंक्रीज लेकिन जीएसटी कलेक्शन के इंक्रीज होने से मेरे मेरे जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा माय जीडीपी ये कहना चाह रहा जी डी भी इंक्रीज हुआ बट वाई अब आप एक चीज़ ध्यान रख के समझो बड़ी अच्छी बात है कि जी जी एस का मतलब क्या है जी है क्या यार जी एस इज़ नथिंग बट योर गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीडीपी क्या होता है जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री अगर मान लो कि जीएसटी ज्यादा कलेक्शन हुआ तो मतलब कि ज़्यादा सेल हुआ होगा अब ज़्यादा सेल हुआ तभी तो जीएसटी एस टी लगाया बिना सेल के जीएसटी लगा नहीं सकते हो मैंने प्रोडक्ट अपने पास गुड अपने पास रखा हुआ है सर्विस अपने पास रखी हुई है जैसे हमारा मेन स्टॉमिंग कोर्स आपने लिया तो जीएसटी सरकार को हमने पे किया तो उस कोर्स पर जीएसटी लगा अब जीएसटी अगर मान लो कि आपने कोर्स परचेज ही नहीं करा मतलब हमारी तरफ से सेल नहीं हुआ आपने परचेज ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ तो क्या गवर्नमेंट के पास अठारह पर्सेंट जी एस टी नहीं गई इफ देर इज़ मोर ट्रांजैक्शन अगर मोर जीएसटी सरकार के पास थी मतलब कि ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विस में तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजेक्शन हुआ मतलब क्या कि अगर सरकार ने ज़्यादा जीएसटी रिसीव किया मतलब कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ ज्यादा सेल हुआ ज़्यादा सेल हुआ मतलब क्या कि ज़्यादा प्रोडक्शन भी तो हुआ होगा हवा सेल थोड़ी हो गया अब ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ प्रोडक्शन किसका हुआ अगर सेल गुड्स एंड सर्विस का हुआ है तो प्रोडक्शन भी गुड्स एंड सर्विस का हुआ होगा एम दिस प्रोडक्शन को टोटल करते हैं दैट इज वॉट इज और जी डी पी ओनली राइट दोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस पड़ी जी नी तो यही तो बात हुआ कि जीएसटी बढ़ेगी तो जी डी पी बढ़ेगी घटेगी जी डी पी बढ़ेगी ठीक है डायरेक्टली नहीं है बट हम इन्फ्रेंस लगा रहे हैं कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसका इन्फ्रेंस लगा रहे अरे ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा ठीक है इन रियलिटी जी डी पी के बढ़ने से जी जी एस टी कलेक्शन बढ़ेगा बट वाई से वर्षा हम सिर्फ इन्फ्रेंस लगा रहे हैं क्योंकि जी डी पी बढ़ा मतलब कि ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस हुआ तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा बीके का भी तो सही समझ लो चल ये हो गया द फॉर रिजर्व क्या मतलब वही इसे यहां से कनेक्ट कर लो दो तो पर कनेक्ट कर लो इंडिया फॉरन एक्सचेंज रिजर्व एक्स्टेट सिक्स हंड्रेड बिलियन इन्हांसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों आई क्योंकि फॉरन रिजर्व अगर आपका बढ़ता है अगर तो यू हैव मोर इंपोर्ट कवर ज्यादा पैसे हैं ठीक है और अगर मान लो कि आर को मार्केट में मान लो रुपया डिप्रिशिएट रहा है बहुत ज्यादा तो आरबीआई जाके डॉलर खरीद ये डॉलर बेचेगी रुपया खरीद लेगी तो आर बी आई हैज पैसा टू डू इंटरवेंशन इन द फॉरिक्स मार्केट टू गिवि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो पहला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर बी आई फॉरिक्स मार्केट में इंटरवीन करें कर सकती है पैसा होगा तब तो भी तो इंटरवीन करेगी बेचेगी खरीदेगी डॉलर को ठीक है सेकेंड कि इम्पोर्ट बिल अगर मान लो इम्पोर्ट बिल कवर करने का पैसा है हमारे पास क्योंकि पैसा तो कन्वर्ट यहीं से करना है ठीक है जी ट्वेंटी फाइनेंशियल कमिटमेंट ये कह रहा है कि कमिटमेंट टू मोबिलाइज हंड्रेड बिलियन एनुअली फॉर क्लाइमेट एक्शन फोकसिंग ऑन सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज अभी यहाँ कुछ खास बात है नहीं फिर भी एक समझा देता हूँ आपको शगुन के लिए नथिंग इज़ कि ये करना क्यों चाहते हैं हम लोग बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गिव समथिंग कॉल्ड एज एक कीवर्ड देता हूँ आपको अच्छा की उसको रख लो कहीं लिख के रख लो एक वो एक, एक बुक बनाओ आज से ही आप एक छोटी सी छोटा सा दस रुपये वाला कॉपी ले लो उस पर लिखो कीवर्ड्स कीवर्ड्स आपको मेंस में कोट करना है ठीक है एक है एक क्लाइमेट जस्टिस अब एक एक कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूँ अभी पहला कीवर्ड क्लाइमेट जस्टिस अब क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है यार मतलब कि डेवलप्ड कंट्री ने तो इमिशन कर दिया अब वो कह रहे हैं कि तुम लोग इमिशन रोको बट हमें तो डेवलप करना है तो अगर हम अभी डेवलपमेंट रोक देंगे तो हम लोग तो डेवलप कभी कर ही नहीं पाएंगे वी विल नॉट एबल टू पुल आवर पीपल फ्रॉम पॉवर्टी एंड हंगर सो दैट्स वाई दिस विल बी इन जस्टिस सो दे हैव टू पे फॉर अस टू ट्रांजिट टू ट्रांजिट तो जो ट्रांजिशन करना है ना ने नेट जीरो में उसके लिए हमको पे करो ना हमें पूरी इकोनॉमी को डिकाबोनाइज करना पड़ेगा हमें कोल सेक्टर को डिकॉबोनाइज़ज करना पड़ेगा हमें अपने पूरे ट्रांसपोर्ट को डिकॉबोनाइज़ज करना पड़ेगा हमें अपनी पूरी इंडस्ट्री को डिकॉबोनाइज करना पड़ेगा पैसा कौन देगा तुम दो ठीक है दैट इज वॉट इट इज़ तुम तो कमा लिए चलो ये हो गया तो हमारे यहाँ से ये वाला ओवर क्लियर चलो तो हमारा प्रिलिम्स वाला न्यूज़ हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है ओवर हो जाता है वी हैव कवर्ड प्रलिम्स इन ऑल इट्स पॉसिबिलिटीज ठीक है अब आते हैं मेंस वाले पे क्लियर चलो सुनाओ विल बी टॉकिंग अबाउट द मेन्स वाला करंट अफेयर देखा था हमने प्री वाला अब विल टॉक अबाउट द मीन्स का करंट अफेयर ओके एक सेकेंड मींस से का करंट अफेयर अब देखो इसमें वट वी हैव टू सी इसके दो तरीके में आपको बताता हूँ मीन ए करंट अफेयर के द फर्स्ट वे इज़ कि आप तो स्टेटिक को तो पहले भूल जाओ जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को क्वेश्चन आ जाए सेवन शेड्यूल के ऊपर तो क्या मुझे स्टेटिक में नहीं पढ़ना है या फिर मुझे क्वेश्चन आ जाए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे तो क्या स्टैटिक में कवर नहीं करना था मुझे कायदे से यस yes. अगर क्वेश्चन आ जाए मेरे को पंचायती राज के ऊपर व्हाट टू शुड आई नॉट एनालाइज पंचायती राज उसके फीचर्स क्या है उसकी उसके लिमिटेशंस क्या है वे फॉरवर्ड क्या है आई शुड डू एंड बट आई मस्ट डू दैट क्योंकि सिलेबस में है तो वैसी चीज़ है जो सिलेबस में ऑलरेडी हमको स्टेटिक में कवर करनी है वी विल नॉट कवर इन द इन द करंट अफेयर हम लोग क्या करेंगे राधर की देखेंगे अरे करंट अफेयर में ये पार्ट न्यूज़ में है मैं अपने स्टेटिक नोट्स में जाऊँगा एंड आई विल राइट दैट इन माई स्टडिक नोट्स वहां पर जाकर लिख लूंगा एंड डैट विल दैट्स अवेबल टू ठीक है चीज़ों को दो बार मत पढ़िए एक ही चीज़ को अगर करंट अफेयर में भी पढ़ रहे हो सेटिंग भी पढ़ रहे हो रिवाइज कब करोगे सिर्फ नोट्स में पढ़ा कब पढ़ा रह जाएगा आएगा कुछ नहीं एग्ज़ाम में अगर मेरे को चार पॉइंट ही एग्जाम में आते हैं यार चार पॉइंट ही आए लेकिन कायदे से आए चार पॉइंट ईजिली आए अगर मैंने एक एवरेज क्वेश्चन को लिख के अगर मैंने पांच मिनट में या छः मिनट में एक एवरेज क्वेश्चन लिख लिया तो मैंने टाइम भी बचाया और पेज भी भराए एवरेज आंसर लिखा लेकिन और दो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन में अच्छा आंसर भी लिख दिया है सब में अच्छा आंसर लिख नहीं पाओगे आपको एवरेज कंटेंट चाहिए और कुछ क्वेश्चन में आपको वैल्यूडेशन चाहिए तो दैट्स हाउ यू विल डू इट ठीक है लेकिन आपको मेजोरिटी क्वेश्चन में एवरेज आंसर ये जो कहने की बात होती है सिर्फ ठीक है कि आपने आ, इतना वैल्यूडेशन करना देखो वैल्यूडेशन हम करेंगे जितना हो पाएगा बट पहले बिल्डिंग तो बना ले ठीक है तो पहले बेसिक करते हैं और रिप्लीकेशन नहीं करेंगे यार देखो पहली चीज़ यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये किसी स्टेटिक में कवर नहीं होता ये हम स्टेटिक में ऐड कर सकते हैं ठीक है अब देखो मेरे कहने का मतलब ये क्या कह रहे हैं पहले कंटेक्ट समझो कि ये आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं दही सेट की हमें स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए ठीक है क्यों भैया जब से यहां पे बाईफर्केशन हुआ आंध्र प्रदेश तेलंगाना का तो उसकी वजह से क्या हो रहा है देर इज दे ए सोशियो इकोनॉमिक सोशिय जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ठीक है तो चैलेंजेस फेस करें दैट सेट कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए तो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि यार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या ठीक है पहला कि कंटेक्ट देख लिया क्या है अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या अब किसी सेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए तो क्राइटेरिया क्या होगा और अगर स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल गया तो बेनिफिट क्या होंगे कि बेनिफिट तभी तो मांग रहे हैं इतना डिमांड कर रहे हैं ठीक है उसके बाद ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनके पास अभी करंट स्टेटस है स्पेशल स्टेटस का और, और मतलब कि ये हो गया अच्छा ये हो गया अच्छा और क्या इम्पैक्ट एंड फ्यूचर कंसिड्रेशन के हम क्या और चीजेज़ के बारे में बात कर सकते हैं एंड चैलेंजेस रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ ये चीज़ हो गई इतना बात करना है हमें इसके बारे में एक टॉपिक ये हो गया हमारा अब इसको बहुत कुछ खास टॉपिक है नहीं कहीं इसमें आने की संभावना इसकी बहुत कम है बट फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा एक्सपैंड होराइजन एक्सपैंड हो जाए ठीक है सिर्फ देखो क्या मतलब है कि अगर मान लो मैंने आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया तो वट विल हैपन अच्छा क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की क्लासिफिकेशन गिवन टू द स्टेट फेसिंग जोग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज कम्पयर टू नेशनल एवरेज मतलब कि बाकी स्टेट यहाँ पर है ये स्टेट उससे नीचे कैटेगरी में है तो इसको हम क्या करेंगे स्पेशल कैटेगरी देंगे इससे कि ऊपर आ सके जस्ट लाइक रिजर्वेशन ठीक है अच्छा क्राइटेरिया क्या है कि या तो आप जोग्रफिकल फैक्टर आपके पास हो बहुत हिल एरिया में हो तो कनेक्टिविटी नहीं है तो डेवलपमेंट पहुंच नहीं पाया ठीक है जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया ठीक है और और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे मान लो आपके लोग का पर कैपिटल इनकम बहुत कम है इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ इनएडिक्वेट है ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है मतलब किसी तरीके से आपको जैसे हम एस सी को रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल इंजस्टिस बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेशन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री दैट्स वी आर गिविंग देम टू दिस ओ बी सी अदर बैकवर्ड कास्ट वाई वी आर गिविंग टू ब्रिंग दैम टू द मेन स्ट्रीम तो यही वही बात है कि मेन स्ट्रीम वाले स्टेट में लेकर आने के लिए क्लियर तो कैसे लाएंगे तो इसको आप बेनीफिट दोगे जैसे हम एस सी एस टी को रिजर्वेशन का बेनिफिटिटिटिटिट देते हैं यहाँ क्या बेनिफिट देंगे फाइनेंशियल अस्टेंस दोगे ठीक है ज्यादा सेंट्रल के फंड दोगे टैक्स का इंसेंटिव दोगे डेवलपमेंट का सपोर्ट दोगे उनके लिए अलग स्कीम बनाओगे जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए स्कीम बनाए एक मिनिस्ट्री बना दी है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट मिनिस्ट्री राइट ओके दैट इज इट ये हो गया अब किस किस स्टेट के पास है अभी हिमाचल प्रदेश क्योंकि हिली है क्यों क्योंकि हिली है उत्तराखंड हिली है यस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है सिक्किम आसम में नहीं है ये प्री के लिए फैक्ट ध्यान रख सकते हो आप अदरवाइज और कोई खास बात नहीं है दिस यू कैन कीप इन माइंड फॉर योर प्रॉलम्स ठीक है ये वाला फैक्ट उसमें ऐड कर सकते हो आप ठीक है बस इतना हो गया अब चैलेंज क्या है कि यार अभी तो इतना देना इट नॉट बी इट विल नॉट बी अ सिंपल टास्क कॉम्प्लिकेटेड टास्क इसको दे नहीं दे तो और स्टेट डिमांड करने लगेंगे दैट विल क्रिएट अ यू नो क्या बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर लेगा कि बाकी भी कह रहे हैं मुझे भी दो मुझे भी दो मेरे पास भी प्रॉब्लम है इक्विटी इन गवर्नर इक्विटी नहीं रहेगी क्योंकि बाकी स्टेट बोलेंगे यार कि तुमने इसको दे दिया मुझे भी दो सबको दे नहीं सकते क्योंकि हमारा फंड लिमिटेड है इंपैक्ट एंड फ्यूचर कंसिलडेशन क्या है कि एसेसिंग द इंपैक्ट ऑफ एस सी एस ऑन इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज अब देखो एक कॉन्सेप्ट रीजनल का ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं जी एस वन इकोनॉमिक जोग्राफी में ठीक है क्या होता है कि जैसे मान लो कि देर आर रीजन ये डेवलप ज़्यादा कर गया ये रीजन कम डेवलप कर गया तो इसमें देर कैन बी मैनी रीजनज मे बी यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंट है मे बी यहाँ तक जोग्रफिकल कनेक्टिविटी नहीं है देर कैन भी सेवल रीजन फॉर देट फॉर अ रीजन नॉट टू बी डेवलप्ड ठीक है दिस इज वॉट इट इज़ ये हो गया अब यहाँ पे जी एस टू पॉलिटी गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन अब हम यहाँ पे अगेन जी एस टू का देख रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज विल प्रायोरिटाइज जस्टिस शाह अब देखो ये तीन जो क्रिमिनल लॉज है ना दिस आर बिल अभी ठीक है ओके वट ये बिल है अभी दिस बिल इंटेंड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग थिंग्स लाइक इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस कर देगा ये भारतीय न्याय संहिता बिल ठीक है और ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज सीआरपीसी जो है उसको रिप्लेस करेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ठीक है और योर इंडियन एविडेंस एक्ट को करेगा रिप्लेस कौन भारतीय साक्ष्य बिल ठीक है मतलब दे आर वी आर ट्राइंग टू मेक इन इंडियनाइज वर्जन वन थिंग आई टेल यू हेयर कि एक तो उसको इंडियनाइज कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फॉलो द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस ठीक है वो जो आप इंग्लिश मूवीज वगैरह हम देखते हो ना कि आई वॉन्ट माई लॉयर वो सारी चीजें यहां पे हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे उस टाइप की चीजें अब देखो कैसे क्या करेंगे अब इंडियन पीनल कोड मतलब पीनल क्या होता है कि हमें न्याय देना है ठीक है न्याय देना है अब न्याय तो दो गए बेसिकली दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब टू अंडरस्टैंड दिस आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड वट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सो दैट ब्रिंग्स एस टू द क्वेश्चन कि वट इज अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओके दिस इज वट इज इंपॉर्टेंट अब देखो ये सिक्सन फाइनेंस कमीशन वाला है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल मैंने यहाँ पे लिखा है सो दैट यू कैन गो थ्रू इट बिकॉज क्या हुआ है ना अभी ये फाइनेंस कमीशन हुई नहीं है कॉन्स्टिट्यूट ठीक है जैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी ये न्यूज फिर से डेवलप होगा आई जस्ट आईव जस्ट गिवन इट टू गिव यू दे अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है डेवलपमेंट में है जब जब ये कमीशन बैठ जाएगी कमीशन फाइनल रिकमेंडेशन अपनी देगी तो फिर से न्यूज़ में आएगा तब बात करेंगे ना इसके ऊपर अभी तो ये स्पेकुलेशन दिया है किसी एडिटर ने कि ये ये पॉसिबल है एक्सपेक्टेड रिकमेंडेशन है तो मैंने यहां सिर्फ लिख दिया है इफ यू वांट टू गो यू कैन रीड इट अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्ट की ये चीज़ डेवलप हो रही है आगे डेवलप होगी तो कवर करेंगे करंट अफेयर इज नॉट समथिंग विच यू कैन डू एट वंस इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर ईयर ठीक है ये चीज़ होगी तो हमारा बेसिक प्रलिम्स के लिए हमारा बेसिक फोकस किस पे था क्वांटम कम्युनिकेशन पे यहाँ बेसिक फोकस किस पे होगा मेंस वाले में ये वाला तो ये हमारा हीरो आर्टिकल है आई वुड से स्टार आर्टिकल है एंड वहां पे स्टार कौन सा था टॉपिक हमारा क्वांटम कम्युनिकेशन तो हमारा सारा टाइम इसको देने में जाएगा सो लेटेस्ट फास्ट इन सीट बेल्ट एंड ब्रेस फॉर द इंपैक्ट ठीक है वे आर नॉट क्रैशिंग ऑल राइट चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ठीक है पहली चीज समझो कि वट इज अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समझते हैं उसको क्या है चलिए क्या कह रहा है इट इज सेइंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नाम सुना है इसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक है बड़ा अच्छा है इसको अगर समझ लोगे तो बहुत आपके लिए इजी रहेगा ठीक है सब चीज़ों को आप इस इस टेम्बलेट में टेम्पलेट क्या बोलूँ मैं इसमें इस कंसेप्ट में आप फिट कर पाओगे नंबर वन इसमें एक प्रोसेस है ठीक है सिस्टम का एक प्रोसेस है नंबर वन इज योर इज योर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ठीक है ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये लिखने में इसमें एक मिनट जो मी चेंज द पेन एक सेकेंड का ठीक है नंबर वन इज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अब कोई भी एजेंसी है जो कि लॉ को जो मतलब लॉ को इन्फोर्स कर रही है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ठीक है अब यहां समझो बड़ा इंटरेस्टिंग है रियल लाइफ से कनेक्ट करना मजा आएगा क्या इन्फोर्स कर रहा है लॉ इन्फोर्स कर रहा है तो हमारे यहाँ लॉ कौन सा है हमने पढ़ा था पॉलिटी में फिर से पढ़ेंगे लॉ में हमने पढ़ा एक इज़ योर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक है आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ और एक और है आपका रूल ऑफ लॉ तीन चीजें पढ़ते तीन फिलोसफी तीन कॉन्सेप्ट तीन डॉक्टरिन पढ़ते हैं हम लोग इन तीनों को मैं आपको समझाऊंगा यहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसी स्टैब्लिश बाई लॉ एंड योर एंड योर ये रूल ऑफ लॉ ठीक है तीन लॉ है ये सिस्टम है बट हमारे यहां कुछ लॉ तो लिखा हुआ भी तो लॉ होगा कुछ लॉ तो हमने डॉक्यूमेंट भी तो करा होगा एंड दैट्स वॉट वी हैव आई पी सी दैट्स वॉट एक सी आर पी सी यही सारा कुछ राइट अब इसी को हमने रिप्लेस कर दिया है रिप्लेस कर दिया है वो बिल से भारतीय न्याय संहिता बिल एंड ऑल ठीक है इससे रिप्लेस करा हमने सो दैट्स वॉट वी आर डूइंग वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस दिस लॉज की इसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट है जैसे मान लो किसी ने खून करा तीन सौ दो तो लगता है ठीक है सो दैट इज वट इज गिवेन इन द कोर्ट्स पिनल कोर्ट्स ठीक है आई पी सी सेक्शन सी आर पी सी सेक्शन सो दीज आर द थिंग्स अच्छा लॉ बोलता है ऐसे ट्रीट करना है अब मैं समझाता हूँ आपको दो मिनट दो मिनट लगेगा पाँच मिनट दस मिनट लगेगा इसमें समझने में आपको लेकिन एक बार समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा आपको ठीक है तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस तो पहले समझो कि प्रोसेस क्या चल रहा है पहला है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एल आईक्यू पुलिस सी बी आई एंड ऑल दीज आर द एजेंसीज विच, विच विल सी की यार तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया बट गलत काम गलत से डिवाइड डिसाइड कौन कर रहा है दिज लॉज आर डिसाइडिंग दीज लॉज आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स ठीक है या फिर दिस प्रिंसिपल विल कंसिडर दिस लॉज ये लॉ बुक में लिखा हुआ है तो दिज आर ऑल इंटरकनेक्टेड इतनी बात समझ में आ गई ठीक है और समझो और समझो क्या चल रहा है तो पहला ये लोग एजेंसी बोलेगी कि भाई मेरे को लॉ इन्फोर्समेंट करना है लॉ इन्फोर्स करेंगे एंड इफ समन इज नॉट फॉलोइंग द लॉ उनको हम क्या करेंगे अरेस्ट करेंगे एंड अरेस्ट करके दूसरा प्रोसेस क्या है लॉकअप में डालेंगे एंड देन वी विल प्रोड्यूस देम बिफोर द जस्टिस एंड दे विल बी अप फॉर जस्टिस देन क्या करेंगे इसको हम लोग इसको हम लोग जस्टिस दिलाने के लिए कहाँ जाएंगे जुडिशरी के पास जाएंगे कि इसने जो इसने जो काम करा ये किस नाय के मैंने मैनेज अरेस्ट किया है अब जस्टिस अप्रूव करेगी कि इज इट अ क्राइम और नॉट अ क्राइम इफ एट ऑल इट्स अ क्राइम देन एट पर व्हाट प्रोविजन ऑफ दिस पीनल व्हाट प्रोविजन ऑफ दिस सीआरपीसी दे हैव टू बी प्रोसिक्यूटेड ठीक है ये हो गया अब जस्टिस दिलाने के लिए इस जस्टिस के सिस्टम में कौन कौन आएंगे आपके जज आएंगे जज विल एडवेट एंड देन देयर विल लॉयर्स ऑल्सो अब लॉयर क्या करेंगे लॉयर विल प्रोसिक्यूट दे विल फाइट दे विल ट्राई टू डिफेंड बोथ द केसेस क्योंकि जज हमेशा यहां पे दो केसेस होंगे एक होगा जिस पे आरोप लगाया और एक होगा जो कि आपको आरोप लगाएगा ठीक अगर पुलिस किया तो यहां पे आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा विल ट्राई टू फाइट ऑन द बिहा पुलिस एंड यहां पे एक पु कुछ प्राइवेट लॉयर है तो वो दोनों लड़ेंगे एक्स वाई है आपस में लड़ रहे हैं तो एक पक्षी है एक पक्षी है दोनों लड़ रहे हैं बीच में बैठा हुए हैं है हमारे जज साहब एंड ही हैज टू सी कि दोनों में से किस पक्ष को सुनना है हु इज़ मोर क्योंकि दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए द जस्टिस शुड प्रिवेल दिस इज आवर एंड गोल राइट दिस इज अर जस्टिस एंड जुडिश्ररी का कॉन्सेप्ट समझ गए इस बात को ठीक है अब जुडिशरी मान लो कि कहती है उसको कि सजा सुना दिया गया देन देर इज अ थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज योर रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेटिव आई वुड से रिफॉर्मेटिव आई वुड से सेंटर्स इसी को तो हम कहते हैं रीजन क्या होता है सुधार ग्रह ठीक है तो प्रिजन इज अ पार्ट ऑफ लीगल जस्टिस क्रिमिनल सिस्टम यस वहां रखते हो क्यों रखते हैं ताकि हो सकता है कि वो सुधर जाए एंड दैट इज वाई वी गिव गिव दम कंसेशंस की कि पहले बेल दे दिया फर दे दिया और क्या दे दिया इनको हमने टाइम के पहले रिलीज कर दिया सजा माफ़ कर दी फॉर द गुड बिहेवियर सो वी गिव दम अ चांस टू रिफॉर्म ठीक है एक होता है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस कि सीधा पनिशमेंट तो काम खत्म करो एक होता है रिफॉर्मेटिव जस्टिस कि उस जेल में डालो उसको गिव दिन टाइम तो जस्टिस यहाँ पे जो दे रहे हैं ना दे कैन बी रिफॉर्मेटिव एक होता है रिट्रीब्यूटिव रिट्रीब्यूशन मतलब कि सीधा एकदम पनिशमेंट दे दो ठीक है तो वी आर मोर फोकसड टवर्ड्स द रिफॉर्मेटिव जस्टिस क्लियर है ओके जस्टिस हो गया हमारी जुडिशरी रही है वाली बट वट वी हैव टू फाइंड आउट इज दैट कि वट इज़ दिस ये तीनों चीज़ें हैं क्या ठीक है इसको समझो देखो होता क्या है कि बेसिकली हमारी कंट्री में देर इज दिस आर्टिकल फोर्टीन से इंडिया इज अ हमारे पास रूल ऑफ लॉ है ठीक है अब रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि लॉ सुप्रीम है भाई लॉ की ही चलेगी यहां पे ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी ना ना राजा की चलेगी ना प्राइम मिनिस्टर की चलेगी लॉ की ही चलेगी लॉ इस विल बी सुप्रीम रूल ऑफ लॉ लॉ का रूल चलेगा ओके okay. अब रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड एक और प्रोसीजर कहते हैं प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाई लॉ कि लॉ ने जो भी प्रोसीजर इस्टैब्लिश कर दिए एनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैज टू फॉलो दिस प्रोविजन ठीक है एंड विद द ज्युडिशरी हैज टू फॉलो दिस प्रोविजन्स इसके बाहर नहीं जाना है अब ये प्रोसीजर कहता है कि चेक की लॉ को सही अथॉरिटी ने बनाया है ठीक है लॉ सही प्रोसेस फॉलो करके बनाया है ठीक है पहले चेक करो कि जिस अथॉरिटी ने लॉ बनाया वो अथॉरिटी सही है कि नहीं मान लो कि सेंटर ने स्टेट लिस्ट पर लॉ बना दिया या स्टेट ने सेंट्रल लिस्ट पर लॉ बना दिया यूनियन लिस्ट पर लॉ बना दिया तब तो लॉ सही नहीं होगा तो अथॉरिटी सही नहीं थी उसकी मान लो कि अथॉरिटी सही है ने स्टेट ने स्टेट बनाया सेंट्रल सेंटर बनाया ठीक है तो अथॉरिटी सही है सेकेंड कि लॉ बनाया ठीक है अब इस लॉ बन चुका है अथॉरिटी लॉ बना दिया है अब क्या हुआ कि जिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इस लॉ को फॉलो करा कि नहीं अगर लॉ को फॉलो करा देन दिज य थिंक कि आपका जो लॉ है वो करेक्ट है एंड उसके हिसाब से जो पनिशमेंट होगा दिया जाएगा अब एक और यहाँ पे एक आती है जुडिशरी थोड़ी एक्टिव होती है और कहती है कि नहीं यार सिर्फ लॉ को नहीं मान सकते हो सकता है ले स्लिचन लॉ गलत बना दिया हो मे बी दे कैन मेक रॉन्ग लॉज दे बी वी देर इज फॉल्ट इन लॉज वी कैन नॉट लीव द जस्टिस ऑन द लॉज विच इज मेड बाय द रिस्लेटर्स मे बी दे कैन मिस्टेक सो वी कैन एग्जामिन द लॉ ऑल्सो यहाँ कहता है कि लॉ को एग्जामिन करना ही नहीं है आपको लॉ अगर अथॉरिटी सही नहीं बनाया है तो लॉ सही है ठीक है सही प्रोसेस को फॉलो करके बनाया है मान लो कि एक और यहाँ पे सेकेंड पॉइंटर भी था ठीक है एक और सेकंड पॉइंटर भी है कि सही प्रोसेस एक तो अथॉर्टी सही होनी चाहिए और जो प्रोसेस फॉलो करके लॉ बनाया वो सही होना चाहिए मतलब फॉर एग्जाम्पल कि सिंपल मेजॉरिटी वाले को स्पेशल मेजॉरिटी से तो पास नहीं कर दिया स्पेशल वाले को सिंपल से तो नहीं पास कर दिया इनकॉम्पिटेड प्रोसेस तो नहीं है अगर प्रोसेस भी सही है अथॉरिटी भी सही है तब लॉ इज़ कंप्लीट एंड परफेक्ट अब लॉ जो बोलेगा यू हैव टू डू दिस ठीक है अब यू हैव टू फॉलो वट लॉ इज सेंग एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू अब बट यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वट इज हैपनिंग कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ऐसा हो रहा है कि यू सी की दे गो वन स्टेप हैड ये बोलते हैं कि यार तुम ऐसा करो कि ऑथॉरिटी को तो चेक करो ये अथॉरिटी सही है ठीक है फिर प्रोसेस चेक करो प्रोसेस सही है अब इसके बाद रुको मत तुम लॉ को भी चेक करो लॉ को भी चेक करो ये बोलता है कि लॉ को आप चेक नहीं कर सकते अगर इतना तक सही है तो लॉ को ही क्या साफ चलना पड़ेगा आपको बट इसने कहा कि नहीं लॉ को भी चेक करो और यहाँ जाके आप टोटल इवेल्यूशन करो यहाँ जाके यू हैव तो टू इवेल्यूएट यहाँ भी जुडिशरी बोलेगी कि यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिस इज एन अमेरिकन सिस्टम क्योंकि अमेरिका में जस्टिस बहुत एक्टिव है जुडिशियरी बहुत क्या है एक्टिव है जुडिशियलियल सुप्रीम है एंड हेर जुडिशरी इज ट्रांसवर्सिंग ये आपको क्या कर जुडिश्री एक नए रोल में आ रही है एंड दिस वॉड वी कॉल जुडिशियल एक्टिविज्म ठीक है जुडिशरी एक्टिव हो गई है समझ गए इस बात को चलो ये हो गया आप ये आपके आया था मेनका गांधी वाले केस के बाद से ठीक है उसके बाद से आ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करा था ये डिटेल बात में बात करेंगे हम जो फंडामेंटल राइट का भी पढ़ेंगे तो ठीक है अभी इतना इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है ठीक है तो हमें बैकग्राउंड समझ आ चुका है क्या बैकग्राउंड था दिस इज़ द बैकग्राउंड अब इसी को बेस करके अब ये लोग जो बोल रहे हैं लॉ लॉ बोल रहे हैं ये वही तो लॉ है इसी को तो अभी पार्लियामेंट ने पास करा है नया लॉ बिल ला रहे हैं ठीक है अब पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया तो ये बन जाएगा अब दे विल ये जो लॉ की बात कर रहे हैं अब इस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं लोग ठीक है इस लॉ को चेक करेंगे ठीक है तो अब वही लॉ इन्होंने बनाया है अब इस लॉ के बारे में देख रहे हैं क्या क्या चीज इन्होंने चेंज करी है तो देखो भारतीय न्याय संहिता को पहले देखते हैं यानी इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस कर दिया इसने ठीक है अब इसने क्या करा देखो पहली चीज सेडिशन लॉ पहले था क्या था का मतलब कि विद्रोह देशद्रोह ठीक है कि आपने क्या करा कि आपने कुछ सरकार के अगर कुछ कह दिया तो आपको कैसे डीशन है ठीक है देशद्रोह है इसको इन्होंने रिपील करने का प्रोविजन डाला है इसको कर देंगे रिपील एंड इट वॉज कब टाइम से लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन में थी कि सेडिशन को हम लोग रिपील करेंगे यू ड्रग एक्ट है ना कि किसी ने कुछ बोल दिया सेडिशन ना अंदर कर दे रहे हो उसको सो so, इसको रिपील करने का ऐसे प्रोविजन है ठीक है वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं उसको पेनाल्टी बढ़ाएंगे एसिड एटा के इन सब पे पेनाल्टी बढ़ाएंगे सब नॉर्मल सी चीज़ पर इसको पढ़ लो में आ जाएगा मोब लिंचिंग को भी क्रिमिनलाइज करेंगे ठीक है क्योंकि आजकल हो रही है क्रिमिनल डेफेमेशन तो चलेगा ही ठीक है इसकी पेनाल्टी थोड़ी सी ये लोग करेंगे इस रिवाइज uh, करेंगे कि देखो क्रिमिनल डिफे जो भी कमियां हैं ना इनको फिक्स कर रहे हैं क्रिमिनल डिफेमेशन अगर आप देखते हो तो डिफेमेशन किसी को भी बोल दिया यार डिफेम कर रहा है उसको क्रिमिनल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इन्होंने रिवाइज करा है एंड साइबर क्राइम आजकल बहुत राइज पे है बहुत अच्छा मैं बोलूंगा कि इट्स वेरी प्रोग्रेसिव मूव मूव दैट दैट इज टेकिंग न्यू डेफिनेशन फॉर साइबर स्टॉकिंग अगर कोई साइबर पे आपको स्टॉक कर रहा है आइडेंटिटी का थर्ट किसी ने आपकी ऑनलाइन वर्चुअल बना बनाकर रख ली है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड किसी ने आपके पैसे निकाल लिए एंड इनकी सारी पेनल्टी के आकर अपडेट कर दी अच्छा मूव है अब देखो भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ठीक है इसको ये बोल दिया अब इसमें अरेस्ट प्रोसीजर को देखा कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन इन्हांस्ड एंड मैंडेटरी इन्फॉर्म अरेस्ट फ्रॉम ग्राउंड आर्टिकल ट्वेंटी टू कहता है कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा ठीक है आपके अरेस्ट के टाइम पे तो उसको इन्होंने क्या करा उसी को करके इसको एनहैंस कर दिया तो आर्टिकल ट्वेंटी के साथ साथ ये चल रहा है उसके अगेंस्ट नहीं चल रहा है ठीक है आप इंटरनेशनल प्रैक्टिस में होता है ना कि आई वॉन्ट माई लॉ आर यू किस बात में अरेस्ट कर रहे हो टेल मी तो ऑफिसर कहता है येस मैम हाँ येस सर दिस इज़ फॉर वो यू बिन अरेस्टेड राइट सो दैट्स वॉट दे आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन टाइम फ्रेम्स स्ट्रिक्ट टाइप लाइम लाइन है कि आप ऐसा नहीं कि एडमेस्ट करके रख लिया है आप चलते जा रहा है केस छः साल तक टाइम फ्रेम दिया स्ट्रिक्ट टाइम लाइन दिया हुआ है सही बात है नहीं देर ऑटोमेटिक बेल का प्रोजेक्शन बहुत ही प्रोग्रेसिव मूव था ये बेल मेरे फॉर्म्स लेकर आए ये लोग ठीक है अच्छी बात है सब लीगल जस्टिस को ये लोग क्या करें? कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं विक्टीम के राइट्स हैं ठीक है विटनेस का प्रोटेक्शन है देखते हो कि मूवी वगैरह में दिखाता होगा विटनेस को ही मार दिया वो सब कुछ कर रहे हैं ये लोग ट्रायल टाइमलाइन जो भी चीज़ें हम मूवी में देखते हैं उसको ये फिक्स कर रहे हैं ठीक है ट्रायल टाइमलाइंस ठीक है कंप ट्रायल को कंप्लीट करने का भी है ये पेंडेंसी है जुडिशियरी का बहुत बड़ा इशू उसको भी टाइम लेन दे रहे हैं लोग भारतीय है साक्ष्य बिल इंडियन एविडेंस एक्ट की जो एविडेंस है उसमें क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं लोग जो एविडेंस है जो साक्ष्य है प्रमाण है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईमेल्स, डिजिटल रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग इसको क्योंकि अभी वी आर टर्निंग इनटू अ डिजिटल वर्ल्ड वी कैन नॉट से कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड वी आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड जहां पे जो चीज दिखती है इंटरनेट पे वो सही है नहीं बट सही लगती है ठीक है इंस्टाग्राम पे किसी का फोटो आ जाता है आ, वो उसके हो सकता है कि सौ फोटो में से एक सबसे अच्छा फोटो खुश हंसता हस, हुआ हाँ फोटो है बट मे बी दे आर अंदर से डिप्रेस्ड है बट डाल रहे हैं फोटो वो दूसरे को देख के लग रहा है कि कितना ही खुश है बट उससे ज़्यादा डिप्रेस्ड है वो एंड उसको देखे देखें देखें देख के ये डिप्रेस हो जा रहे हैं तो एक डिप्रेस इंसान इंसान को खुश देख के खुश इंसान डिप्रेस हो जा रहा है डू यू सी वेद द फॉल्ट इज दैट्स वाई द सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम सक्स एंड यूपीएससी वालों को तो दूर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से ठीक है क्योंकि वहां देखोगे दोस्तों को पार्टी करते हुए ये करते हुए तो और ज्यादा फॉर्म होगा हो कि मैं क्या ही कर रहा हूं लाइफ के साथ क्या लक्ष्मीकांत और क्या ही मैं यहां पे पॉलिटी जोग्रफी इकोनॉमी कर रहा हूं करंट अफेयर कर रहा हूँ साइंटिफिक एविडेंस आ जाओ यहां पे विटनेस का स्टेटमेंट जो है इसको रिकॉर्ड करने का इलेक्ट्रॉनिक मीन्स तो हम सब कुछ डिजिटाइज कर रहे हैं देख रहे हो ये चीज़ so, तो, तो बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव चल रहे हैं हम लोग ठीक है साइंटिफिक एविडेंस डी प्रोफाइलिंग फॉरेंसिक एनालिसिस एंड अदर साइंटिफिक मेथड्स एज वैलिड फॉर्म्स ऑफ एविडेंस ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है डीएनए प्रोफाइलिंग ये आपके हालांकि ये पढ़ना होगा आपके साइंस में बट फिर भी मैं आपको यहां पे एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा पहले इसको पढ़ लो फिर आई गिव अलग ब्रीफ आइडिया कि डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है ठीक है इसका कनेक्शन क्या है डीएनए समझते हो ना डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ठीक है डीएनए हो गया आपके ये डीएनए आपके जेनेटिक मटीरियल है ठीक है चलो ठीक है अच्छा ये बात पता है आपको कि कि जो डीएनए प्रोफाइलिंग जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली क्या करते हैं डीएनए लेते हैं सैंपल या तो आपका आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे ये सब यूनिक होता है हर इंसान का यस yes. ठीक है ये हो गया सैंपल कलेक्शन करेंगे आपका ठीक है डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड इसमें एक पीसीआर टेक्निक यूज़ करते हैं ठीक है जो आर टी पी सी आर नहीं पी सी आर टेक्निक यूज़ करते पी सी आर एम्प्लीफिकेशन करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो इसके बारे में बात कर लेंगे बट ये भी पढ़ने पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी आपको मैं कभी आपको साइंस एंड टेक में कवर करवा दूंगा इसको ठीक है क्योंकि साइंस एंड टेक में पढ़ना होता है हमें इसको चलो डी एन ए प्रोफाइलिंग मैंने लिख लिया इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग बिजनेस रिकॉर्ड सब कुछ हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं प्रिविलेज रूल्स ठीक है कम्युनिकेशन लॉयर क्लाइंट इन डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इन द कंटेक्सल कंटेक्स ये सब देखो बहुत ही प्रोग्रेसिव वेस्टर्न या फिर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस हैं देखा होगा कि साइकोलॉजिस्ट अपने साइक अपने जो आपका श्रिंक है साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट है उन दोनों की जो बात होती है वो डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी है ठीक है लॉयर क्लाइंट लॉयर बोलता है कि आप मुझे बताओ ये बात बाहर नहीं जाएगी लॉयर हैज टू प्लेज तो दाओ उसका प्लेज होता है कि वो क्लाइंट की बात को कहीं और नहीं बोलेगा इसलिए कहते हैं ना कि अ विक्टिम कैन अ क्रिमिनल और अ विक्टम कैन ट्रस्ट ट्रस्ट अ लॉयर एंड अ पेशेंट शुड ट्रस्ट द डॉक्टर तो वो चीज है क्लियर एंड यू शुड ट्रस्ट योर टीचर ओके एंड मोस्टली मोस्ट ऑफ आल ट्रस्ट यूर सेल्फ ओके हस्बैंड शुड ट्रस्ट द टीचर एंड मोस्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट हिम सेल्फ ओके इंप्लीमेंटेशन पे आ जाओ फुल इंप्लीमेंटेशन अब इस इंप्लीमेंट कैसे करेंगे यार तीन लॉ का इंप्लीमेंट करेंगे टाइम लगे तीन चार साल का एक बार में तो नहीं होगा ऑफकोर्स न्यू क्रिमिनल लॉज विल भी अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेज बड़ी अच्छी बात बताई इसने क्या प्रोग्रेसिव है कि नहीं येस नेक्स्ट वर में दिया अच्छा ड्यूरेशन ऑफ द पुलिस कस्टडी रिमेनिंग फिफ्टीन डेज इसमें कोई चेंज नहीं करा ठीक है मैंडेटरी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ठीक है और ये ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग मैंडेटरी ताकि कुछ भी आपकी चीज़ें ना फॉरेंसिक एग्जामिनेशन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बोल के कर दिया कि हाँ यार ये इसने इसको मारा खत्म कर दो नहीं ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना चाहिए मैंडेटरी है द क्राइम ऑफ द सडिशन हैज़ बिन एबॉलिड ये तो हो गया भाई बताया मैंने द क्राइम ऑफ सडिशन हैज़ बिन एबॉलिश्ड न्यू प्रोविजन ये दिखा दिया मैंने सिडिशन वाला एबॉलिश हो चुका है ठीक है ये हो गया अच्छा ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को ध्यान रखना अच्छा द गवर्नमेंट मैंडेट्स डिजिटाइजेशन ऑफ पुलिस स्टेशनस ई एफ आई आर डिजिटल चार्ज शीट्स प्रमोटिंग द डिफिशेंसी एंड डिक्लेअर ए आई आर एफ आई आर को सब कुछ डिजिटाइज़ है मतलब कि मैं अगर आपको क्रक्स बताऊँ ना इसका तो इसने डिजिटाइज़ कर दिया ठीक है क्रक्स यही हुआ इसका कि इसने सबको डिजिटाइज़ करा है करने की कोशिश करिए पहली चीज़ सेकेंड चीज़ कि इसको मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश करिए हमने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस लेने की कोशिश करिए बेस्ट प्रैक्टिस इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है ये सारा कुछ कर रहे हैं। और है और ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव है कि नहीं बताया प्रोग्रेसिव है येस इट्स प्रोग्रेसिव इन नेचर ठीक है अब ये सब वही फालतू की बातें कुछ खास बात है नहीं अब बताओ फॉरेंसिक हर जगह फॉरेंसिक मैनेटरी करो तो फॉरेंसिक का इंफ्रक्शन बढ़ना चाहिए ना तो फॉरेंसिक की इंफ्रा में क्या करेंगे बढ़ाएंगे ठीक है यही सब हुआ यार बस यहाँ तक आपका ये खत्म हो गया ठीक है ये हमने देखा है कि बाद में डेवलप होगा तो कवर करेंगे एंड दैट इज़ इट विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर जिसमें हमें पूरे वीक का कवर कराएं अब मैं आपको बताता हूँ इफ़ यू गो टू एनी कोचिंग कुछ बातें हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे किसी और कोचिंग का कंपाइलेशन अगर देखोगे किसी और कोचिंग का अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड मेनी थिंग्स जो कि वहाँ पर है यहाँ पर नहीं है ठीक है और कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी बहुत डिटेल में वहाँ पे कवर नहीं है क्योंकि हमारा तरीका शुरू से यूनिक है अलग है विच इज़ केटरिंग टू द रिमांड ऑफ एग्जामिनेशन जिससे कि लाखों लाखों बच्चों ने हमारे पी की वीडियो देखी थी लाखों एसपेरेंट्स हैव वॉच्ड और वीडियोज एंड प्लीज ट्रस्ट मी के आई कैनॉट टेल यू आई हैव थ्री से ज़्यादा डी ठीक है एंड मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि सारा यहाँ पे मैं आई के नॉट गिव द टेस्ट प्राइवेट चैट को मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता प्राइवेट चैट ग्रुप चैट बहुत बच्चों बहुत सारे एस्पिरेंट को मैं आई वुड से कि इवन एटलीस्ट एक हज़ार बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका जिनको बहुत हेल्प मिली थी इन इनिशिएटिव से पीटी वाले से और स्टेटिक कोर्सेज को से क्योंकि वी टारगेटेड द पिन पॉइंट थिंग आपको सुनो लेटर बाद रियलाइज होनी चाहिए कि आप कम पढ़ोगे तभी उसको कंसोलेट कर पाओगे बात बताओ अगर सब कुछ पढ़ लिया है और जगह पर लिखा हुआ ही नहीं है कन्फ्यूजन होता है ना यार कि कहाँ पर पढ़े कितना पढ़े है, पढ़ता है तो वो छूटता है आपको पता नहीं मेरे पास मैंने कितनी मोटी मोटी कॉपियाँ रखी थी कि हाँ आप इसको बनाएंगे सबका पेज बना के ई डोंट ट्राई किया कॉपी ट्राई करा सेग्रीगेशन कुछ काम नहीं करता अनलिस यू डोंट लर्न कि किस तरह के स्टेटिक में आप करंट अफेयर को एक चल रहा है ना मार्केट में कि करंट स्टैटिक का इंटरलिंकेज देखो इंटरलिंकेज का बेस्ट वे टू डू इट इज कि आप स्टैटिक वाले को स्टैटिक में पढ़ो और जो करंट का चीज है उसको स्टैटिक में जाके बस वैल्यूडेशन कर लो एक चीज को दो बार मत पढ़ो प्लीज डोंट डू दैट अगर आपको पता है कि ये चीज हम स्टेटिंग में पढ़ने, पढ़ने वाले हैं तो उसको करंट में मत पढ़ो करंट में वही चीज पढ़ो जो नहीं पढ़ सकते स्टैटिक में जैसे क्वांटम वाला पढ़ा हमने जैसे यहां पर हमने इसको पढ़ा क्योंकि ये आपके स्टेटिक में था थोड़ी नई चीज़ आई है ये जो आपका नया समिता बिल है ये चीज़ हो गई तो इस तरीके से बी स्मार्ट एंड आई एम हेअर टू डू दैट फॉर यू क्योंकि बहुत बच्चों को इन को का आइडिया नहीं होता ठीक है ये चीज हो गई आप भी सोचो ना यार कि जो सर्विस में वो कैसे पढ़ रहे डेली करंट अफेयर नोट्स कैसे बना रहे फिर भी क्लियर कर रहे हैं क्योंकि स्टेटिक में सब कुछ पढ़ रखा है ठीक है ये चीज़ हो गई चलो दूसरी बात नोट नोट मेकिंग क्या करना है करंट अफयर नोट मेकिंग नहीं करनी जो मैं दे रहा हूँ इसको आप एक जगह रखो इसी का वीकली वीकली कंपाइलेशन आपको दे रहा हूँ मैं इसी का मंथली कैप्सूल आ जाएगा सेम चीज़ को कंपाइल करके वीकली कर, मंथली में दे दूंगा मैं आपको तो चारों पर एक ऐड करना होगा मैं ऐड कर दूंगा सब ट्रै करना होगा सब ट्रैक कर दूंगा बट आई गिव यू मंथली कंपाइलेशन ऑफ दिस ओनली दिस विल बी योर वन स्टॉप सोलूशन फॉर योर करंट अफेयर्स इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ठीक है सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड विल मीट नेक्स्ट वीक जिसमें कि नेक्स्ट वीक के जो भी करंट अफेयर्स होंगे हम लोग कवर करेंगे ट्रस्ट मी इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू गिवन कि आप एग्जाम तक कैरी कर पाओगे या दवाई एक्चुअली में काम करेगी या आप एग्जाम में लिख कर आ पाओगे ठीक है दिस विल वर्क दिस विल बी अ प्रोडक्टिव थिंग यू नो बेस्ट पार्ट अबाउट आवर लेक्चर वॉज दैट कि जो पढ़ाया वो उनको रिप्रोड्यूस हो पाया एग्जाम में कम टाइम में ठीक है ये सबसे मुझे मुझे इसी बात का आई जस्ट वॉन्ट टू डू दिस एंड वी कुड डू दिस आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट ओके एक और बात कि यही सारी चीज़ हम लोग जो है इस ये चीज़ आपको डेवलप करनी है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो यू कैन डू दिस टू योर सेल्फ स्टडी के नोट्स अगर आपने मेन स्ट्रामिंग का हमारा कोर्स ज्वाइन करा हुआ है ठीक है सो यू वुड डू दिस इन योर ओन नोट्स जो हमारा नोट्स क्लास नोट्स है उसमें इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग इसको ठीक है सो दैट्स इट ओके सो एल टेक यू लीव नाउ एंड विश यू ऑल द बेस्ट कीप स्टडिंग कीप बस लिंग ब बाय गॉड स्पीड आई सी इन द नेक्स्ट वीक ओके ब बाय